श्रीपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। जपहू जाई शंकर सत नामा, जपहू जाई शंकर सत नामा, जपहू जाई शंकर सत नामा, हृदय तुरत विश्राम हो, हृदय तुरत विश्राम हो, हृदय तुरत विश्राम हो, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, 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 असि परती तजहु जनि भोरे, असि परती तजहु जनि भोरे, असि परती तजहु जनि भोरे, असि परती तजहु जनि भोरे। जपहु जाई शंकर सत नामा, जपहु जाई शंकर सत नामा, होई हृदय तुरत शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः। बोलिए जगद्गुरु आदि शंकराचार्य भगवान श्री गंगा मैया साधु समाज के, हर हर।
जप हूँ जाय शंकर सतनामा। 100 साल से भगवान कैलाशपति भूत भावन कैलाश ब्रह्म विद्यापीठ में बैठकर वेदांत श्रवण कर रहे हैं। उसकी तपोभूमि में अभी अभी परम पूज्य महाराज श्री ने कहा कि हरिद्वार से ऊपर का भाग भूखंड नहीं है, अवनि नहीं है, वो स्वर्ग है। ये केवल तर्क नहीं है, श्रद्धा युक्त समाधान है, केवल तर्क नहीं, ये पक्का समाधान है। इसलिए मुझे तो लगता है कि उत्तरांचल की जो बात चल रही है, वो जो निर्णय हो, लेकिन उसका नाम भी स्वर्ग के नाम पर रखना चाहिए इस जनपद का। लेकिन बड़ा सुंदर अर्थ, गंग अवनि थल तीन। आज तक तो हम अर्थ करते रहते थे कि भाई गोमुख से गंगा जी निकली जन्मस्थान, फिर गंगोत्री, फिर उत्तरकाशी, फिर ऐसे ऐसे चलती चलती ऋषिकेश आई। लेकिन ये सब इतने महान नहीं क्यों गिने गोस्वामी जी ने, और हरिद्वार से ही क्यों उसका महिमा का गान किया, हरिद्वारे प्रयागे च गंगा सागर संगमे। लेकिन हमारी समझ में तो इतना ही अर्थ बैठा था आज तक कि गंगा हरिद्वार से, इसकी महिमा ज़्यादा इसलिए बताई शायद कि हरिद्वार से आगे की गंगा सबके लिए थोड़ी दुर्लभ है, गंगोत्री की गंगा तो और ज़्यादा दुर्लभ है, गोमुख तो अभी मैं भी नहीं जा पाया। हमारे कह रहे थे कि बापू हेलीकॉप्टर कर ले दिल्ली से तो ऋषिकेश की कथा में जाए, इससे पहले 1-2 घंटा हिमालय में घूम करके गोमुख का ऊपर से दर्शन करके फिर आए। मैंने कहा हेलीकॉप्टर का कोई भरोसा नहीं, समय पर पहुंचे न पहुंचे, और एकदम ऐसे घूमकर बड़े भाव से मुझे बताया। मैंने कहा फिर कभी दर्शन करेंगे, वैसे मैं गया नहीं, जाना है, कैसे भी दर्शन करेंगे, उसकी कृपा होगी। तो वहां की गंगा दुर्लभ है, ये दुर्लभ गंगा हरिद्वार आते आते सबको सुलभ हो गई, इसलिए उसकी महिमा। शंकर के मुख से निकली राम कथा सबके लिए दुर्लभ है, लेकिन बहती बहती तुलसीदास तक आ गई। बुध विश्राम सकल जन रंजन, बुध विश्राम सकल जन रंजन। शिव के मुख से गंगा निकली उसका श्रवण उमा ने किया, लेकिन बाद में ये प्रवाह चला 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 सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तो गंगा हरिद्वार से ज्यादा सरल सबके लिए सुलभ हो गई, और फिर उसकी महिमा प्रयाग में और बढ़ गई, क्योंकि गंगा में अपने आप में गंगा जी में उसने जमुना जी को ब्रह्म सरस्वती को मिला दिया, ज्यादा महिमावंत हो गई। लेकिन अंतिम महिमा तो तभी है कि जब गंगा स्वयं समुद्र में मिल जाए, तो ये इतनी सरल हुई, ऐसा अर्थ कहते रहते थे, लेकिन आज बड़े सुंदर अर्थ का उद्घाटन हुआ। और ये बिल्कुल श्रद्धायुक्त समाधान है, श्रद्धा किदृशी, भगवान शंकराचार्य के सामने प्रश्न आया कि भाई श्रद्धा की परिभाषा क्या। गुरु वेदांत वेदांत वाक्यादिशु विश्वास श्रद्धा,
वेदांत के वाक्यों पर और गुरुजनों के वचनों पर भरोसा करना ही श्रद्धा है। भगवान आदि शंकर का ये मत, मेरी समझ में नहीं आता कि इससे बढ़िया कोई श्रद्धा की व्याख्या संसार में हो सकती हो। श्रद्धा की क्या व्याख्या, जब ये प्रश्न आया तब इतना ही छोटा सा लेकिन कितना अकाट्य और वैश्विक जवाब। वेदांत वाक्यों में भरोसा और अपने गुरुजनों के शब्दों वचन पर यकीन, भरोसा। अभी मैं यहां आया तो पूज्य दादाजी बंबई में थे, भागवत जी, तो मैंने कहा पहले सुन लो फिर बोलूं। भगवान मेरा ये नियम करीब करीब निभा लेता है कि पहली कथा शुरू करूं इससे पहले एक श्लोक भागवत का या उपनिषद का या रामायण की चौपाई कोई सुना दे फिर शुरू करूं। तो अचानक फोन आया कि बापू मैं यहाँ हूँ। हमने कहा कि तो हम आ रहे हैं, फिर वहीं से जाएंगे आगे। तो प्रहलाद वाला प्रसंग चल रहा था, बड़ी सुंदर तथैति की व्याख्या कर रहे थे। तब उसने व्याख्या की कि इसका अर्थ क्या, इसका एक ही अर्थ कि गुरुजन अपनी श्रद्धेय व्यक्ति जिसके लिए हम समर्पित हैं वो जो आज्ञा करें उसके सामने हाँ हूँ कुछ किए बिना उसी समय आरंभ करना, यही है। मेरे गुरु ने कहा वो ठीक ही होगा। यदि कोई प्रारब्धवश ठीक न होगा तो परमात्मा को मेरे गुरु ने कहा इसलिए उसको ठीक करना पड़ेगा, इतना भरोसा, उसी का नाम श्रद्धा। हम तर्क लगाते हैं, बार बार विकल्प खोजते हैं, लोगों की शरणागति है। आजकल शास्त्रों में, सदगुरुओं में, महापुरुषों में, सत्संग में, हर जगह तीर्थों में लोगों की, वो नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन तर्क भी साथ साथ उठता है। इसके बदले ये करे तो तू पार्टनर हो गया, तूने भागीदारी कर ली, अपनी बुद्धि जोड़ दी। गुरु और वेदांत वाक्यों पर पूरा भरोसा, उसी का नाम ही भगवान जगतगुरु ने श्रद्धा की संज्ञा दी है। समाधानम किम चित्त एकाग्रता, समाधान किसको कहते हैं, तो भगवान भाष्यकार ने, भगवत पाद भगवान ने फरमाया कि चित्त की एकाग्रता ही समाधान है। जब तक चित्त की एकाग्रता न हो तब तक समाधान, जहां लगी आत्मा तत्व चिन्हो नहीं त्या लगी साधना सब भटकाव है। मेरे पास एक प्रश्न भी, दो चार पांच प्रश्न अच्छे कथा के संदर्भों में उठाऊंगा, लेकिन पूछा है कि कल आपने कहा कि एक कीर्तन होता है तो हम आपको बेहोश कर देते हैं, तो क्या बेहोश कर देना अच्छी बात है, फिर खबर नहीं आप क्या अंग काट दे। बेहोश का मेरा मतलब है, ये तो डॉक्टरी बोली में मैं बोला, बेहोश का मतलब है भगवान के कीर्तन से तुमको पहले चित्त में एकाग्रता हो जाए ताकि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे मानसिक विग्रह में जो बेकार अंग है उसको शास्त्र काट दे और आपको पता भी न चले। चित्त एकाग्रता, बेहोश करना मानी आप कथा में एक रूप, आप कथा सुनते होंगे, आपके अनुभव होंगे कि कथा सुनने में जब आप एक रूप हो जाएं तो अगल बगल में कौन बैठा आपको पता नहीं होगा, कौन गया, कौन उठा, कौन उठा, आप इतने एकाग्र हो इसे, बाकी बेहोश और दृष्टि से नहीं, बेहोश तो तुम हो ही तुम हम सब महात्माओं को छोड़ कर के हम सब मोहनी सा सब सो मोहनी सा सब सो हम सब मूढ़ता में डूबे हैं, मोह निशा में सोए हैं, तमोगुण ग्रस्त हैं। एकाग्र कर देना, तन्मय कर देना कथा में ताकि हमारे मानसिक विग्रह के
न जाने कई विकार जो हमको रोग बनकर घेर रहा है। ऋषियों का काम वेद में तीन बताया, एक तो अमति, दूसरा क्षुधा और दूसरे रोग। तीनों का निर्मूलन करने के लिए जिसका धरती पर अवतरण होता है उसको ऋषि कहा है। एक अर्थ में अमति का अर्थ है मूढ़ता, अज्ञानता, मूढ़ता का निवारण करना, ये इन परमहंसों को, इन महात्माओं का यही कार्य है कि हमारी मूढ़ता को तोड़े, अमति को तोड़े, यही काम करते हैं ऋषि मुनि, मूढ़ता और अज्ञान को तोड़े। गयव मोर संदेह सुनेउ सकल रघुपति चरण। कोई भी प्रकार से, किसी भी रास्ते से हमारी मूढ़ता को तोड़े, पार्वती ने क्या पूछा, महाराज मेरी मूढ़ता तोड़िए, लेकिन किस तरह? कहूं पुनीत राम गुण गा, भुजग राज भूषण सुरना, भुजग राज भूषण सुरना, प्रथम सोकार कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी, पुनि प्रभु कहूं राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूं उदारा, जथा जानकी विवाही राज तजासो दूषण काही। पहले मैं गत कथा में स्मरण कर दादाजी के पास से जब ये कथा पढ़ा तब इसी पद्धति से करता था। ये नव प्रश्न जो भवानी ने शंकर को पूछे उसी के मुताबिक संक्षेप में कथा कहता रहा, इसलिए उसी क्रम को निभाता रहा, संक्षेप अति संक्षेप में लेकिन निभाता रहा। ये जो प्रश्न भवानी ने पूछे, मेरे बहुत प्रिय प्रकरण है, कितने सुंदर प्रश्न पूछे है पार्वती। बन बसी किन्ने चरित कहनाथ जिमी रावण, राज बैठी किन्हीं बहुलीला, सकल कहु शंकर सुख सीला, कहूं पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरना, बहुरी कहूं करुणायतन किन्हीं जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि करे निज धाम। राम कथा के बारे में केवल नौ प्रश्न पूछे और इन नौ प्रश्नों के उत्तर में नौ दिन की नवान का एक परंपरा चली। बाकी के प्रश्न जो हैं फिर वेदांत के हैं, ज्ञान के, विज्ञान के, वो प्रश्नावली भी सुन लो, गा लो। पुनि प्रभु कहो सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी,
जेहि विद्यार मगर मुनि ज्ञानी भगति ज्ञान विज्ञान गिरादा भगति ज्ञान नहीं छोड़ा कोई विषय नहीं छोड़ा पुनि सब वर्णम सहित विभागा और राम रहस्य प्रश्न उमा के सहज सुभाई प्रश्न उमा के सहज सुभाई चल विहीन सुनी शिव मन भाई चल विहीन मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर की रघुपति चरित महेश हर्षित काम है ऋषियों का अवतारों का आचार्यों का अमति का नाश हो समाज मूढ़ता का नाश गय मोर संदेह सुने सकल रघुपति गरुड़ का प्रतिभाव मैं कृत कृत्य भय अब तव प्रसाद विश्व उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल गणेश। तो श्रेष्ठों का यही तो एक काम है कि समाज की मूढ़ता मिटे, समाज की क्षुधा मिटे, भूख मिटे। कई प्रकार की भूख है, ऋषियों का एक कार्य रहा कि समाज की भूख उसको फिर मुमुक्षा हो, बुभुक्षा हो, पिपासा हो, जो हो, बहुत विस्तार से उनके क्षेत्र हैं, विस्तार पूर्वक उसकी बातें कही जा सकती है। और व्याधि मोह सकल व्याधि कर मूला मोह सकल व्याधि कर मूला। तो व्याधियों से समाज को मुक्त करना, क्षुधा से मुक्त करना और मूढ़ता से समाज को मुक्त करना। हमारे जो मन में अकारण विकार जो फूटे हैं, जो हमारे स्वरूप के अनुरूप नहीं है, कोई अंग बड़ा हो गया है, कोई छोटा है, कोई पीड़ा कर रहा है, कहीं आंत बढ़ गया है, कहीं हड्डी की वृद्धि है, उसको राम कथा रूपी शास्त्र क्रिया से हरि नाम से तन्मय करके काट दिए जाते हैं। बेहोशी तो हमारी सबकी है ही,
लेकिन समाधानम किम चित एकाग्रता, ये कोई सामान्य शंकरम शंकराचार्य भगवान शंकरा अवतार स्वयं शंकराचार्य भगवान का जवाब है ये। एक और भगवान शंकराचार्य का दर्शन कितना जटिल कठिन पूछो बाबा जी को, कितना कठिन है। और एक और वही भगवान जगतगुरु हम जैसे सामान्य जीवों के लिए कितनी छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, जाने मां का दूध। गुरु और वेदांत के वाक्यों में भरोसा ही श्रद्धा है, और गुरु वो है जो कभी झूठ नहीं कहता, देखी हुई बोलता है। और वेदांत तो झूठ हो ही नहीं सकता, वो तो संभव ही नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब, मेरे भाई बहन, चित्त की एकाग्रता हो जाए तो ये बेहोशी की बात तो इसी बोली में बोली गई, बाकी बेहोश करना क्या है, हम सब है ही, हम सब उसी में डूबे हैं। शास्त्र क्रिया से एक घटना घट जाए, ऐसी स्थिति हमारी आ जाए, तो कहने का अभिप्राय, इस पावन स्थली में एक कितना श्रद्धा सह समाधान, श्रद्धा युक्त समाधान कि हरिद्वार से ऊपर का भाग अवनी न माना जाए। और हमारी आंखें देख भी कितनी सकती है, आंख की मर्यादा भी कितनी, ये तो ऋषियों की आंखों देख सकते हैं। और यहां आने के बाद यदि स्वर्ग का अनुभव न हो तो चुके, जहां कैलाश होता है वहां कौन कौन रहता है, शास्त्र प्रमाण क्या है, सिद्ध तपोधम जोगी किन्नर गंधर बसही तहां सुकृति सकल सेवई शिव सुखतम परम रम्य गिरिवर कैलास परम गिरिवर कैलास सदा जहां केज विभाति भूधर सुता भाले बाल विधुर गले गरलम यस्सुरसीयानरा सोयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्वगतः शिवः परम रम्य गिरिवर कैलास गिरिवर कैलास गिरिवर कैलास। तो जहां इतने लोग निवास करते उनका नाम कैलाश, कैलाश में ये सब रहते हैं। और मेरी श्रद्धा तो कह रही है कि कैलाश आश्रम में भी ये सभी निवास कर रहे हैं। और मैं जिसके घर का स्थान का नाम कैलाश देता रहता हूं उसकी जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है। जहां कैलाश नाम आया तो इनमें से कुछ न कुछ तो होना ही चाहिए उस स्थान में, वो कैलाश में तो है, ये कैलाश में भी है। परम रम्य गिरिवर, उसकी बहुत चर्चा तो हिमालय में करेंगे, स्वर्ग के ऊपर के भाग में यहां से जो शुरू हो रहा है इसके, जब भगवान अवसर दे देगा शायद इस साल में तो होना ही चाहिए। चाइना गवर्नमेंट ने तो मंजूर कर दी, एक काम बहुत अच्छा किया चाइना गवर्नमेंट, आप आ सकते हैं कथा कर सकते हैं, हमारी मिलिट्री आपको जितनी चाहिए इतनी मदद कर सकती है।
हम सोच नहीं सकते थे, हम तो इधर उधर से योजना बनाते थे कैसे जाएं, लेकिन चाइना गवर्नमेंट, इसका मतलब यह है कि एक किसी की बनी बनाई बात नहीं है, ऊपर वाले की योजना है। शंकर की जटा से गंगा को मुक्त होना आसान है, लेकिन चाइना गवर्नमेंट से कथा की मंजूरी मिलना दुर्लभ है। लेकिन वो मिल चुकी है, अब प्रभु उसकी 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 डेट तो वो उसने निश्चित की है, वो जब कहेंगे तब उसकी चर्चा और जोर से करेंगे। परम रम गिरिवर स्फुरन मौलिकल लोलिनी चारु गंगा लसत भान बाले कंठे गंगा चल कुंडल विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालुं मृगाधीश चरमांबरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानु कोटि प्रकाश प्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेहं भवानी पति शंकरं संप्रदं सज्जनानंदनं। विनय पत्रिका शंकरं संप्रदं सज्जना नंदनम शैल सूतावरम परम रम्यम परम रम्य गिरिवर शैल शैल कन्यावरम परम रम्यम काम मदलोचनम। क्या वर्णन किया है गोस्वामी जी ने महादेव का, काम मद मोचनम शांतरस तामरस लोचनम तामरस लोचनम वामदेवम भजे भावगम्यम हे वामदेवम भजे भावगम्यम शंकरम संप्रदम सज्जना नंददम शैल कन्यावरम परम रम्य परम रम्य गिरिवर। मुझे लोग कहते हैं बापू हम आना चाहते भाई उसका वीजा मेरे हाथ में नहीं है, उसका वीजा उनके हाथ में। उस समय कैलाश की महिमा, कैलाश कैलाश है, विलोक्य भूतेश गिरिम विबुधा विस्मयम ययुः श्रीमद्भागवत। विलोक्य भूतेश गिरिम भूतनाथ की इस पहाड़ी को, इस पर्वतराज को देखकर विबुधा विस्मयम ययुः श्रीमद्भागवत जी का। भागवत जी में तो कैलाश का वर्णन कभी पढ़ लीजिए भाई, अद्भुत अलौकिक वर्णन। प्रसंग का संकेत कर दूं आपको, खोजने में तकलीफ ना हो, स्कंद मुझे याद नहीं भाई, लेकिन भागवत खोज ले, इस बहाने पाठ भी हो जाए। दक्ष यज्ञ जब वो हुआ और फिर भगवान शंकर को मनाने की बात आई, तब पितामह ब्रह्मा ने कहा ना हम यज्ञो नचा यूय मन्ये, ये शब्द हैं उनके, शिव तत्व के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, ना हम मैं नहीं जानता देवता लोग शिव तत्व के बारे में। यज्ञ स्वरूप जो इंद्र माना जाता है वो भी शिव तत्व में नहीं जान सकता, न मुनि जान सकता है, उसको मनाना बहुत कठिन है। चलो मेरे साथ कैलाश, उठाए पूरे मंडल को ब्रह्मा जी ने। फिर कैलाश का वर्णन भगवान व्यास जी ने, सुखदेव जी ने अपनी ही भूमिका वर्णन किया, सुखदेव भी तो वहीं गए। कैलाश का फिर जो वर्णन कर, वहां कैसी वनस्पति है, वहां कैसे कैसे पशु रहते हैं, वहां कैसा कैसा स्थान है, कि बहुत लंबा वर्णन है, पाठ कर लीजिएगा, बहुत सुंदर वर्णन। ब्रह्मा जी सबको वहीं लिए चल, औषधि के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, तप के द्वारा, योग के द्वारा, जिन जहां रहकर लोगों ने सिद्धि प्राप्त की है, सिद्ध तपोधन योगी सुर किन्नर मुनि वृंद बसहि सहा सुकृति शरण सेवही शिव
ये सभी पुण्यवान, पुण्य करने के बाद तो वहां पहुंचा जाता है, और ये सभी पुण्यवान वहां जाकर शिव जो सुख कंद है उसकी सेवा करते हैं, उसकी सेवा में तन्मय रहते हैं। भागवत जी में तो वर्णन है, नारद जी आए, नारद जी ने भगवान शिव को प्रश्न किया है और भगवान शंकर उसको वेदांत समझाने लगे हैं। ये सब मंडली वहां बैठी थी। कैसे 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 बड़े बड़े पशु रहते हैं, कहां कहां ये देवता लोग विहार करते हैं। मेरी समझ में कैलाश भगवान शंकर की विहार स्थली भी है और विचार स्थली भी है, वहीं से संसार के कल्याण के सभी विचारों का दौड़ छूटा है। कोई रास्ता छोड़ा नहीं महादेव ने जगत को दे, मैं पार्वती के चरणों में, जगदम्बा के चरणों में कैसे ऋण अदा करें हम लोग, लेकिन माँ को कहो कि माँ तूने इतने प्रश्न पूछे महादेव को कि दुनिया का कोई विषय महादेव कहे बिना नहीं रह पाए, इतने समस्त जवाब महादेव को देने का। तो वहां ये सब रहते हैं और ब्रह्मा जी सबको ले जाते हैं, तब व्यास भगवान कहते हैं बिलोक के भूतेश गिरिम, भूतनाथ की इस कैलाश पर्वत को देखकर विबुधा विस्मयम ययुहु, सभी देवता आश्चर्य से भर गए कि हम देवलोक में रहते हैं लेकिन ऐसा तो आश्चर्य। देवताओं को आश्चर्य कैलाश देखकर होता है और राम और कृष्ण को आश्चर्य अपना रूप देखकर होता है। ये कैसा है, जिसके लिए व्यास जी ने शब्द प्रयोग किया विस्मापनम, रूप तो उसका माना जाए मेरे भाई बहन, इसीलिए राम कथा सुनो गाओ, रूप क्या है उसमें, कृष्ण कथा सुनो गाओ। कृष्ण और राम अपने रूप को देखकर विस्मित हो जाते थे, इसका नाम रूप है। गोस्वामी जी कहते हैं रूप राशि नृप अजीर बिहारी, ये है राम, रूप राशि नृप अजीर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी, उत्तरकांड। रूप राशि रघुनाथ जी बचपन में दशरथ के आंगन में खेलते हैं, तो आंगन कोई मिट्टी का नहीं था, गोबर से लिपा नहीं था, कोटा स्टोन नहीं था, संगे मरमरी पत्थर मकरानाकार इटाली का पत्थर नहीं था। खची तक कनक मनी नाना जाती, कनक मणियों से जड़ा हुआ महाराज दशरथ जी का आंगन है। नृप मंदिर सुंदर सब महाराज दशरथ जी का मंदिर सर्व प्रकार से सुंदर है, और उनके आंगन में कनक मणि के वेल बूटा ये सब कनक मणि लगाए हुए हैं, और भगवान राम जब उसमें खेलते हैं तो नाच ही नीचे प्रतिबिंब निहारी, अपना प्रतिबिंब जब मनियों में देखते हैं तो आश्चर्य चकित हो जाते हैं, अद्भुत लगता है प्रभु को। मैं ये सब बातें इसलिए मेरे स्मरण में आ, भगवान शंकर को प्रभु की बाल लीला बहुत प्रिय है। शंकर जी बाल लीला में इतने डूब जाते हैं कि क्या बताऊं, उसमें बहुत रम जाते हैं शिव जी। वैसे तो महादेव के महिमा का कौन वर्णन करे, कौन कह सकता, चरित सिंधु गिरिजा रमन बेदन पावही पार, बरने तुलसी दास की मी मती। भगवान राम का जन्म हुआ तो शिव जी जन्म प्रसंग पर गए थे, वो कथा तो बार बार आपको सुनाई गई है।
लेकिन भगवान शंकर राम दर्शन करके कैलाश लौटे ना, तब पार्वती ने उसको धमका धमका करके उसको कि कहाँ गए थे, बिना पूछे निकल जाते हो, घर में बैठी हूँ, जरा सोचिए तो, पूछना तो चाहिए कम से कम मुझे, और निकल गए, गए थे कहाँ, जैसे आजकल लोग धमका देते हैं उसी तरह बलिहारी। आज की तो बात ही छोड़िए भाई, हाँ हमारे एक भाई हमको कह रहे थे कि बापू ये श्राद्ध पक्ष गया ना अभी, तो श्राद्ध पक्ष में लोग श्राद्ध करते हैं, कौवे को खीर डालते हैं सब जगह, तो एक बहन अपने पति मर गया था तो पति का श्राद्ध कर रही थी, तो पति कौवे के रूप में, कौवा आया तो फिर ऐसा मान लेते हैं ना कि पितृ आया जो, तो वो बेचारी खीर डाल रही थी तो कौवा बैठा था वो बिल्कुल ऐसा झुका हुआ, न हिले न डोले न कुछ, आया था तो बहुत दूर से उड़ करके, लेकिन आकर के ऐसा बैठ गया चुपचाप, न बोले न हिले न कुछ, और वो खीर डाल रही है लेकिन बिल्कुल वो हो गया। तब उस बहन के बेटे ने कहा कि माँ मेरे पिताजी के ऊपर से तेरी धाक अभी भी कम नहीं हुई है, अभी भी घबराते हैं मेरे पिताजी, देखिए कैसे। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सत्पन्नम। एक बहन अपने पति को खीर डाल रही थी तो कौवा आया ही नहीं, तो बेटे ने पूछा माँ अभी तक, बोले मैं तेरे बाप को जानता हूँ, कहीं अच्छी खीर मिल गई होगी इसलिए यहाँ नहीं आएगा वो, कहीं दूध पाक मिल गया होगा उसको, बादाम पिस्ता वाला, इसलिए यहाँ नहीं आएगा, उसको अपने घर की रसोई अच्छी ही नहीं लगती थी, तूने कभी बनाई ही नहीं। तो पार्वती ने उठाया, महादेव गए थे कहाँ, तो बोले अयोध्या गया था, साफ साफ कह दिया, तो चोरी करने की क्या जरूरत थी, कौन साथ में था, बोले काक भुसुंडी था, तो पांख वाले को ले गए, आंख वाले को नहीं ले गए, ये पांख वाले का कौवा मुझसे ज्यादा अच्छा, सोचना चाहिए आपको। इतना गर्म हुई पार्वती की, भगवान बचाए। महादेव ने कहा भाई हो गया हो गया, कोई बुरे काम के लिए तो नहीं, दर्शन के लिए गया था अब तुम, और मुझे ये था कि तुम आओ और राम को रोते देख और फिर कहीं झंझट खड़ी हो जाए। बोले हर वक्त थोड़ा कहीं शंका करते हैं हम, हाँ आपको समझना चाहिए, आपको हम क्या समझाएं, ये आप चोरी करें इसलिए हम आपसे ब्याह हैं। तो बोले अब कुछ समाधान करो, हो गया, मैं आपको सब बात बताना नहीं, हमको नहीं अयोध्या जाना, मैं चली। अरे बोले कहाँ कि मैं भी जाऊँ अयोध्या, आप जा सकते तो मैं भी जा सकती। बोले तुम क्या करोगी कि तुम ज्योतिषी बनकर गए थे, मैं खिलौना बेचने वाली बनकर जाऊँ, मुझे भी राम रूप देखना है। द्रव भूसो दशरथ अजीर बिहारी, द्रव भूसो दशरथ अजीर बिहारी। पार्वती ने प्राकृत नारी का रूप धारण किया है, सिर पर टोपला रखा है, उसमें सब मणियों के, पार्वती तो जगदम्बा है, भोले भंडारी की धर्म पत्नी है, वहां तो कौन कमी है। ऐसे खिलौने लेकर पार्वती वेश पलट करके राम दर्शन के लिए अवध आई, कोई खिलौना लो कोई खिलौना, बात घूम गई। महादेव ने कहा मैं आऊं, बोले नहीं खबरदार, आप अकेले गए थे, अकेली गई और घोड़े बेच रही है, बच्चों को घोड़े अच्छे लगते, चारों लाल बहुत प्यारा लगता, सकल तन ये चिर जीव तुलसीदास के, चारों लालन खिल रहे थे, और जगदम्बा भवानी खिलौने बेचने वाली बनकर आई हैं, और सबसे पहले मनी जड़ित घोड़े निकाले। राम जी को पूछा, लालन भैया आपको कौन सा घोड़ा चाहिए, बोले चले भी गति भी करे लेकिन मर्यादा में और सरल हो, ऐसा घोड़ा हम अपनी अपनी मानसिकता के अनुरूप मांगा है, ऐसा घोड़ा जो सरल हो। भवानी ने खोज कर दिया,
भरत जी का नंबर आया, आपको बोले हमको तेज घोड़ा चाहिए, राम जी के घोड़े से आगे निकल जाए। ये भरत जी के विचार से बिल्कुल विरुद्ध बात आ गई। भरत जी तो कभी ऐसा, लक्ष्मण जी ने मांगा, लक्ष्मण जी को पूछा कि आप बोले तेज घोड़ा चाहिए, आगे निकल जाए ऐसा घोड़ा चाहिए। अरे बोले आप राम से आगे निकलना चाहिए, आप तो बिल्कुल पीछे चलते। बोले हाँ, और बात में पीछे, लेकिन घोड़े पर बैठने की बात है तब मैं आगे रहूं, क्योंकि आगे क्या क्या है मैं देखूं, फिर मेरे सरकार का आगमन हो, फिर मेरे मालिक का आगमन। भरत जी ने मांगा, मेरा घोड़ा बस पीछे ही पीछे चले उनके पीछे। शत्रुघ्न ने मांगा, मुझे ऐसा घोड़ा दो बोलबाल न करे, बिल्कुल बोले चाले ना, बिल्कुल चुपचाप चलता रहे। ऐसी बहुत सी मधुर मधुर कथा है। कृष्ण कर्ण रसायनम बिल्व मंगल, उसका एक रस से भरा ग्रंथ है। उसमें कृष्ण की बाल चरित्र और भगवान राम के चरित्र को, और उसने जो संकेत किए, गोस्वामी जी कुछ बातें जो बता रहे हैं, तो इनके मूल न जाने कहां कहां उनकी शाखाएं दिखाई देती है। परम मनोहर चरित्र अपार, परम मनोहर चरित्र अपार, करत पिरत चारेउ सुकुमार, करत पिरत चारेउ सुकुमार। परम मनोहर चरित्र ठाकुर का, भगवानी चली खिलौने बेचने, खिलौने बेचे हैं और माँ ने इतना दिया है, और सब नाटक करना था तो सब फिर वो करना ही पड़ा। और भवानी जब लौटी तो शंकर जी ने कहा, अब मैं चला, अब मैं फिर जा रहा हूं। और बोले, एक बार तो ज्योतिषी बनकर गए, अब क्या? बोले, अब मदारी बनकर जाऊंगा। और मदारी बनने के लिए बंदर चाहिए, और एक ही स्वरूप दो हुए हैं। ऋषिमुख पर्वत गए महादेव, और हनुमान जी को कहा कि तू मेरे साथ, एक ही स्वरूप है, वानर वै हनुमान, वही तो एक ही स्वरूप है, रुद्रावतार हनुमान जी है। इसलिए शिव तत्व की बात जब है, तब रामचरितमानस के प्रत्येक मंगलाचरण में शिव तत्व पड़ा, एक भी कांड छोड़ा नहीं गोस्वामी जी। बालकांड में शिव की उपासना बताई, अयोध्या कांड में शिव की वंदना, अरण्य कांड में आई, किष्किंधा में आई, सुंदर कांड में नहीं है, लेकिन वहाँ अतुलित बलधामम हेम शैलाभये दनुजमन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रहम सकल गुण निधानम वानराणाम भीष्म रघुपति प्रिय भक्तम बानर तनु धरी धरनी में हरिपद सेवक, सार्वजनिक घोषणा जो ब्रह्मा जी ने कर दी थी देव स्तुति में। भगवान शंकर ने ये तो नारद प्रसंग में सुन लिया था कि भगवान ने नारद का परम हित करने के लिए बंदर का रूप बताया, तो शंकर भगवान ने सोचा कि बंदर के रूप में ही परम कल्याण हो तो हम ही बंदर क्यों न हो जाए। लेकिन घोषणा वो नारद के लिए है, और व्यक्तिगत औषधि नारद के लिए है, सार्वजनिक रूप में यदि घोषणा हो जाए तो बंदर बनने में पहली छलांग में लगाओ। और जब देव स्तुति हो गई और ब्रह्मा जी को भगवान ने वचन कह दिए, तब ब्रह्मा ने सब सार्वजनिक घोषणा कर दी कि सब देवता लोग बानर और बंदर और रीछ के रूप लेकर हरिपद से हूं। और उसी समय सभी देवताओं में बंदर बनने का पहला बीड़ा उठाया हनुमान शंकर भगवान, छलांग लगा करके वो बानर के, तो वही तो है बंदर का रूप। तो ऋषिमेघ से हनुमान जी को बंदर के रूप में लिया, यहाँ भोले बाबा मदारी बने हैं, डमरू तो उनके पास है ही तो फिर बड़ा मैं तो केवल ऐसे ही शिव जी को बड़ी बाल उसमें ओतप्रोत हो जाते हैं भगवान महादेव, फिर बंदर का खेल करवाया हनुमान जी, महाराज बंदर बने, एक डंडा पकड़वा दिया हनुमान जी, और फिर बंदरों का जो खेल होता है ना, बूढ़ा आदमी अपनी बीबी को कैसे मनाता है, जरा ऐसा करो, तो हनुमान जी ऐसे मना रहा है, ससुराल में जाए तो कैसे चले तो ऐसा मना, ये सब जो बंदर मदारी लोग खेल करवाते हैं, और हनुमान जी महाराज ऐसे ऐसे लकड़ी कभी ऐसे लेकर हाथ में लेकर ऐसे ऐसे खेल कर,
और चारों भाई देख देख कर राजी हो। लेकिन घटना तो तब घटी जब खेल पूरा हुआ। यहां महादेव की आंख में आंसू, यहां बंदर की आंख में आंसू और यहां रघुनाथ जी की आंख में आंसू, क्योंकि खेल पूरा हुआ। अब बंदर फिर ऋषिकेश ऋषिमुख पर्वत चला जाएगा। मां कौशल्या को अच्छा नहीं लगा कि क्या बात है, हनुमान को जाना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि भक्त और भगवान की एक मिलन है। दोनों रोए, या तो तुम रोओ या तुम्हारे लिए भगवान रोए। लेकिन घटना तब घटती है जब भक्त और भगवान दोनों रोए। महादेव की मस्ती भी बिलग है। श्री हनुमान जी बंदर, छोटे से बंदर के रूप में आए थे, अब फिर जाना है सुग्रीव की सेवा में, अच्छा नहीं लग रहा। ज्ञानियों में शिरोमणि है लेकिन विरहाग्नि लग गया है। गए तो जरूर, जाना तो पड़ा क्योंकि लीला थी। लीला में कहीं बाधा न बन जाए। महादेव, हनुमान ऋषिमुख पर्वत गए और महादेव कैलाश गए। लेकिन उसी दिन से रघुनाथ जी ने खाना छोड़ दिया, न खाया न पानी पिया। रघुनाथ जी न खाए तो भरत न खाए, भरत न खाए तो लखन जी चुप। माता पिता सब सोचे कि क्या, बहुत समझा रहे हैं रघुनाथ जी, क्या बात है। और बस एक ही बात जब बहुत पूछा तब कहा, मुझे वो बंदर ला दीजिए। अरे भैया, बंदर चाहिए तो बंदर की कहां कमी है। सुमंत्र जी को महाराज ने हुक्म किया, सुमंत्र जी जितने बंदर वाले हो सबको मंगवाओ, क्यों रो रहा। और फिर सार्वभौम चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का हुक्म, और जितने जहां भी बंदर थे जो मदारी लोग खिलाते, इन सब बंदरों को लाए और राम जी को बताते हैं। राम जी रोते हैं, ये नहीं, अब तुमको कौन बंदर चाहिए वो हम कैसे जाने। भैया, मां समझा रही है, तो कैसे ये सब बंदर विध विध प्रकार के आए हैं। बोले वो नहीं, तो फिर ये कौन बताए कि कौन बंदर चाहिए। तब महाराज दशरथ जी कौशल्या रघुनाथ जी को लेकर, तुम त्रिकाल दर्शी मुनिना, गुरु के पास गए हो वशिष्ठ भगवान, आप त्रिकाल दर्शी है। आज रघुनाथ जी को कौन सा बंदर चाहिए वो आप अपनी समाधि में देख कर बताइए, हमारी कक्षा के बाहर है। आप त्रिकाल दर्शी है, रघुकुल गुरु। और भगवान को पूछा, राघव, हाँ बाबा, बस मुझे बंदर, लेकिन इतने बंदर। बोले वो नहीं है, वो तो लाखों में नहीं, अबजों में नहीं, संसार में एक है। उसी समय आंखें बंद की और ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान जी रो रहे, निस दिन और पकड़ में आ गया कि उनके लिए ये रो रहा है, उनके लिए वो रो रहा है। और समाधि से बाहर आते हुए भगवान वशिष्ठ जी ने कह दिया, अवधपति, जिसके लिए राघव रो रहे हैं वो बंदर ऋषिमुख पर्वत पर बसता है, भेजो किसी को उसको ले आए। फिर दूत गए हैं ऋषिमुख और रो रहे श्री हनुमान जी, शंकरावतार। महाराज की बात सुनाई कि रघुनाथ जी ने हठठानी है। कितना कितना वर्णन मिलता है, भगवान राम के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत बात दिखाई देती है। भगवान खिलौने तोड़ने लगे, छड़ी फेंकने लगे,
माँ दूध लाती है तो तोड़ देते हैं, नहीं बस मुझे वही बंदर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और हनुमान जी के लिए तो यह अद्भुत अवसर था। और फिर हनुमान जी बाल बंदर का रूप लेकर फिर अयोध्या आए, और अयोध्या आने के बाद शंकर भगवान तो ज्योतिषी के रूप में आकर चले गए। काकभुसुंडी 5 साल रहे, भगवान महादेव मदारी बनकर आए तो खेल पूरा करके फिर उसको जाना पड़ा। भवानी आई तो खिलौना बेचकर चली गई। लेकिन हनुमान जी जब बंदर के रूप में फिर अवध आए तो विश्वामित्र जी राम लखन को ले गए, तब तक अयोध्या में निवास किया। जब विश्वामित्र जी आए और रघुनाथ जी की मांग की और दोनों को जब जाने की बात आई, तब मां की विदा लेने के लिए महल में गए थे, वो तो एक बहाना था, लेकिन इस बंदर को भी महल में मुकाम मिला था। और वहां हनुमान को कहने गए थे कि वत्स मैं जाता हूं, तब फिर आंखें भर गई, बोले अब जिद मत करना, अब तू भी बड़ा हो गया, मैं भी बड़ा हो गया, और मुझे कितना बड़ा वैश्विक कार्य करना है। ऋषिमुख पर्वत जा, वन यात्रा के दौरान मैं फिर वहीं आऊंगा और फिर वहीं हमारी और आपकी मुलाकात हो जाएगी, फिर आगे हम सफर करेंगे। और फिर हनुमान जी इतने साल रहे वहां, जन्म इस जन्म के बाद का जो प्रसंग है भगवान की बाल लीला का प्रसंग, उसके बाद भगवान को विश्वामित्र जी ले गए, इतनी जो साले बीती तब तक श्री हनुमान जी महाराज अवध में निवास किया। और फिर भगवान वन यात्रा में आगे चले, बहुरी भगवाया ऋषभमुख पर्वत निराया। जैसे एक जगह ध्वनि होती है दूसरे जगह उसके प्रतिभाव होता है, आप ऐसा लगे कि इसके प्रमाण क्या है, प्रमाण है कि स्किंदा कांड उसका। जब राम जी आए, हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में आए, फिर दोनों मिले, और जब भगवान ने पूछा कि आप कौन हैं, तब हनुमान जी कि महाराज मैं इतनी सालों में भूल गया, लेकिन आप मुझे भूल गए, मैं तो उस समय छोटा। तब माया बस फिर आते प्रभु पहचान। भाई पहचाना शब्द क्यों लगाया, यही प्रमाण है, हम आपको पहचान न सके, इसका मतलब कि पहले हम मिले थे लेकिन दूसरी बार इतना गैप हो गया, इसलिए हम पहचान, जिसने देखा ही नहीं उसके लिए पहचान शब्द आ ही नहीं सकता। महाराज मैं आपके साथ इतनी साल रहा लेकिन तेरी माया में भूल गया, इसलिए मैं पहचान। और हनुमान जी का दर्द उसी के कारण है। आगे जो बोले, मैं मंद हूं, मैं मोहवश हूं, मैं कुटिल हृदय, अरे चलो मैं पहचान न सका लेकिन पुनि प्रभु मोही बिसारे, आप मुझे भूल गए, ये कैसी बात है। तो ये परम मनोहर चरित अपार, परम मनोहर मुसुंडी रामायण आदि अनेक ग्रंथों में, कुछ आचार्यों के ग्रंथों में भी ऐसी अद्भुत लीलाएं संत लोग कहते हैं, अद्भुत लीलाएं। रूप राशि नृप अजीर बिहार, नाचत प्रतिबिंब। तो दशरथ जी का आंगन जहां मनियों का वो है, मनी खचित सब आंगन बनाया, उसमें रघुनाथ जी जब अपना रूप देखते हैं तब वो अपने ऊपर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उसको विस्मय हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जब अपना रूप देखते हैं तो लुभ जाते हैं कि ये क्या बात है, विस्मापनम विलोक्य भूतेश गिरिम विबुधा विस्मयम ययुः। कैलाश की परम रम्यता देखकर देवता लोग विस्मित हो गए,
विस्मय चकित। ऐसे प्रभु जब अपना रूप देखते हैं तो विस्मित हो जाते हैं कि ये मेरा रूप है। माधुर्य लीला तो अद्भुत है, मेरे अद्भुत रस से भरी है, कृतकृत्य कर देती है। तो हम चर्चा कर रहे थे कैलाश की, फिर तो भगवान के ऐसे बहुत चरित्र है, जब जब स्मरण में आएगा सुनाता रहूंगा। फिर जो भगवान ने एक बार वो चंद्र की मांग की है, क्या मनोहर चरित्र है, क्या अद्भुत बाल लीला है मेरे ठाकुर की। कहने का अभिप्राय, आश्चर्य होता है अपने रूप को देखकर। आज देवताओं को कैलाश देखकर विस्मय हुआ है, क्या कैलाश। और वहां भगवान शंकर का जो स्वरूप बताए, पढ़ने जोग है बाप। वो श्रीमद किस ज्ञान मुद्रा में बैठे हैं, बाई दाई जांग पर अपना एक पैर लगाया हुआ है और एक पैर को पकड़ा है, और हाथ में वो तर्क मुद्रा ज्ञान मुद्रा बताई है, जो ज्ञानियों की मुद्रा होती है। नारद जी प्रश्न करते हैं और भोले बाबा उसका जवाब देते हैं, बहुत सुंदर। चरंतम विश्व, भागवत जी में शब्द आता है, मैं कल बोल गया, समझकर बोल गया कि स्वयं रास्ते पर चलते हैं। शंकर को क्या, भागवत पढ़िए, विद्या तपो योग, इस पथ में आस्थान करके भगवान शंकर ये सब क्यों करते हैं, क्योंकि विश्व के प्रति उसकी हृदय में हृदयता है, और वात्सल्य के कारण लोक मंगल करने के लिए कभी योग करते हैं, कभी मंत्र करते हैं, कभी कथा करते हैं, कभी कथा सुनते हैं, कभी वेदांत श्रवण करते हैं। क्यों, हम सबका कल्याण करने के लिए, वरना उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो कैलाश अद्भुत है, मैं ये आपको, फिर तो संस्कृत आचार्य और संस्कृत कवियों की बोलियों में कैलाश का जो वर्णन मिलता है, कौन वर्ण अद्भुत। तो जहां कैलाश है परम रम्य, गिरिश्रेष्ठ परम रम्य, बहुत अद्भुत है। जहां उमा और शिव का नित्य विहार है, और नित्य वेदांत विचार और ब्रह्म विचार की चर्चा चलती है, भगवत विचार की चर्चा चलती है, सब वस्तु कैलाश में, कुछ छूटा नहीं कैलाश है, सब है। वो ब्रह्म की चर्चा भी करते हैं, भगवान की चर्चा भी करते हैं, माया की चर्चा भी करते हैं, सांख्य की चर्चा भी करते हैं, कौन विषय छोड़ता है कैलाश, जिसकी जिसमें रुचि हो। भगवान शंकर कैलाश पर बैठकर ऐसा सब, तो कैलाश की महिमा है। तो जहां कैलाश है वहां सब है, क्या क्या है, सिद्ध तपोधन जोगी जन सुकृति सकल सेवहि शिव सुख कं। शिव जी सुख की जड़े हैं, सुख का मूल भगवान शिव है। यदि विश्राम पाना है तो शिव को भजो, शिव को पुकारो। तो जहां सिद्ध लोग निवास करते हो, जहां तपोधन तपस्या ही जिसका धन है, तप के सिवा जिस कुछ और कोई धन जो जानते नहीं है, ऐसे लोग जहां निवास करते हैं, योगी लोग जहां निवास करते हैं, सिद्ध तपोधन जोगी जन, किन्नर लोग, देवता लोग, मुनियों के समूह जहां निवास करते हैं, और से वही शिव सुख कंद। तो कैलाश में तो ये सब है ही, लेकिन इसी कैलाश में भी देखो आचार्यों की परंपरा में, इसलिए मैं बहुत समझ करके मेरी श्रद्धा से बोला, भयेज जे अहि जे हो आगे, प्रणवहु सब ही कपट सब त्याग। सिद्धों का आश्रम, कई सिद्ध महापुरुष इसी परंपरा में, योगियों का आश्रम, तपस्वियों का आश्रम, क्या नहीं है। और सब सौ सौ साल से अभिनव चंद्रेश्वर की सेवा कर, सौ सौ साल सेवही शिव सुख कर, इसीलिए जप हो जाई
शंकर सतनाम जपहु जाई शंकर सतनाम होई हृदय तुरत विश्राम होई हृदय तुरत समान प्रिय मोरे शिव समान प्रिय मोरे असि परि नगर जन मोरे असि परि जप बुझाई शंकर सतनाम होई तुरत विश्राम होई तुरत विश्राम। कैलाश नाम जब रखे तो थोड़ी जिम्मेवारी वहन करनी हो जाती। ये सब तो बड़ा मुश्किल लगता है लेकिन सब हो सकता है, लेकिन कम से कम इनमें से कोई सूत्र तो जरूर, सिद्धि ना आए तो कहीं नहीं, शुद्धि तो आए तो भी बहुत है। सिद्धि आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन सिद्धि से भी महत्व की बात है शुद्धि। योगीपना ना आए तो चिंता नहीं, लेकिन अति भोगीपना तो ना आए, इतना तो विवेक रखे। और धन संसार में रहते हैं तो धन का प्रयोग करना पड़ता है, धन से सब चलता है, लेकिन कम से कम ये विवेक तो बना रहे कि सच्चा धन तो तप ही है। मुनि जन धन सर्वस शिव प्राण, सच्चा धन तो वो है। कहने का अभिप्राय ये स्मरण आ गया, इसलिए ये कैलाश की जो परिभाषा गोस्वामी जी ने की है, ऐसे कैलाश पर निवास करने वाले भगवान शंकर जो 100 साल से यहाँ बैठे हैं, नित्य वेदांत श्रवण करते हैं, उनको राम कथा सुनाना ये अपने आप में भगवान की भूरी सह कृपा का परिणाम है। हम सब बड़भागी हैं इसलिए, और अब तो ये बात पक्की हो गई ना कि यहाँ से सब स्वर्ग ही है, इसलिए हम लोगों को स्वर्ग में जाने की कोई सवाल ही उठा नहीं। अब स्वर्गस्थ हो गए, अब सबके आगे लगाना चाहिए। हाँ सीधी, ये स्वर्गस्थ शब्द के लिए लोग डरते हैं। स्वर्गस्थ का मतलब ये तो एक सम्मान है कि बाकी सब स्वर्ग में जाते हैं क्या? हाँ, यहां जो जीते हैं जिस तरह जीते हैं सब स्वर्ग में जाएंगे तो क्या होगा, वहां इतनी जगह नहीं है। लेकिन ये तो हम मृत्यु का सम्मान करते हैं कि भाई मरा है तो कम से कम अब तो बुरा नहीं करेगा, बुरा नहीं देखेगा, बुरा नहीं बोलेगा, तो अब तो उसको स्वर्गस्थ बना दो। इसलिए स्वर्गस्थ, बाकी स्वर्गस्थ तो वही है। स्वर्गस्थ की व्याख्या जो चाणक्य ने की है कि स्वर्ग में रहने वाला कैसा होना चाहिए, जो ग्रंथकारों ने की है उसकी बोली पकड़नी पड़ेगी, बाकी तो सब स्वर्ग में थोड़े जाए। हाँ, हम तो पहुंच गए, हरिद्वार से ऊपर गाड़ी निकले समझो, विमान में बैठे हैं ऐसा ही समझ लो, बिल्कुल पक्की बात। तीर्थ स्थान में जो बात हुई है और ये रामचरितमानस के शब्दों के द्वारा बिल्कुल सिद्ध हो गया। गंग अवनि थल तीन, यहां से अवनि नहीं है, यहां से तो ऊंचा है। फिर आप ये मत समझना कि स्वर्ग में रहने वाले स्वार्थी हैं तो हम भी थोड़े स्वार्थी बने, स्वर्ग में रहने वाले कार्य कुशल है तो हम भी। हमको बंबई में भी पूछा कि बापू समझदार और चतुर की परिभाषा क्या, मैंने कहा चतुर वो चोरी करते हैं और समझदार चौपाई गाते हैं। चतुर है दिल्ली में पूछिए ना, सब सौमले, कोई बचा नहीं, देखो सब चतुर वो है, वो चोरी करते हैं और क्या, सब बोलो। और ऐसे लोगों के नीचे देश को जीना पड़ रहा है,
अच्छे हैं कि देश में अभी संत लोग हैं, ऐसे स्थान हैं, बाकी इस देश का लीलाम हो जाता है। सब सौमले बैठे, मेरा बस चले तो मैं स्वर्ग से बोल रहा हूं, आकाशवाणी हो रही है, आकाशवाणी हो रही है, कोई ऐसी ऐसी बात नहीं। मैं शायद दिल्ली में कह रहा था, कई लोग कहते बापू कभी कभी आप बोलते हैं सांप्रत परिस्थिति पर, तो क्या ये जिसको सुनाना आप चाहते हैं वो सुनते हैं? वो तो सुनते नहीं। हमने कहा कि उनके पूर्वजनों के पुण्य नहीं है, उनके बाप दादाओं के पुण्य हो तभी ये सुनने को मिलता है, बाकी सुन ये तो कर्ण रसायन है, ये तो कर्ण रसायन है, ऐसे लोगों को नहीं मिलता। उनके भाग्य जब खुलेंगे तब, अभी तो चोरी कर रहे हैं। जो दिशा है देश की, इसीलिए मैं एक अखबार में कार्टून देख रहा था, एक कार्टून में पत्नी अपने पति को डांटती है, जो स्वाभाविक होता है, नित्य कर्म होता है, बहनों का नित्य कर्म यही होता है, उसकी संध्या वहीं से शुरू होती है, उसको कोई संध्या करने की जरूरत नहीं, अधिकार नहीं, ऐसी बात नहीं, जरूरत ही नहीं, सुबह बराबर श्री राधे। लेकिन ये पूरा प्रयास है कि गृहस्थ के जीवन में भी व्यथा की जगह राम कथा आ सकती है, जैसे भवानी बैठी है पर महादेव गा रहा है। जानी प्रिया आदर दाम भाग बाम भाग कलयुग तो हमने पैदा किया है मेरे भाई बहन, कलयुग हमने निर्माण किया है। बाकी एक तरीके से देखो तो कलयुग जैसा है भी नहीं, इस स्वर्ग की भूमि पर चले जाओ। कलयुग तो हमारे जय लोगों ने, हम लोगों ने पैदा, जापान जाइए है कलयुग, वहां ऋषि मुनि नहीं है, साधना का पक्ष जरूर है वहीं, लेकिन ऋषि मुनि और फिर भी वहां कलयुग नहीं दिखाई देता। कोई चोरी नहीं करता, कोई बेईमानी नहीं करता, कोई किसी की लूट नहीं करता, सब अपने काम में मस्त। कलयुग तो हम लोगों ने पैदा कर दिया इस दिन, और खास हिस्सा दिल्ली वालों का है इसमें, कलयुग निर्माण कर दिया लोगों, कहां है कलयुग? अमेरिका में है थोड़ा थोड़ा, जापान में मैं गया हूं अभी तक, तो लगता है कि अपने अपने काम में सब, कोई बेईमानी नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। और एक संदर्भ में देखे तो बहुत पुराने कालों से, बहुत और युगों से भी ये युग कितना, हमको एक कवि महोदय बता रहे थे कि बापू एक काल ऐसा था कि प्रहलाद को हरि नाम लेना मुश्किल था, एक ऐसा शासन था, आज कोई भी नाम कथा मंडप में लेकर लोग ले सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं। एक एक पक्ष में अच्छी बात है, कलि युग सम युग आर नहीं जो नर कर विश्वास गाए राम गुणगन विमल पावन बिना। तो कली कहाँ? कली हमने निर्माण किया है चोरी करके। हमको बंबई में भी पूछा कि चतुर की परी, चतुर की परी बात है। तो पत्नी डांटने लगी, जो उसका नित्य कर्म होता है, कार्टून में मैं देखा, पत्नी पति को कहने लगी कि आप कितने 30 साल से मुझे कह रहे हैं कि मैं इस देश की प्रथम पंक्ति के नेताओं में से हूं, तुझे मेरी कीमत नहीं है, लेकिन इस देश में जो नेता लोग हैं प्रथम पंक्ति के, उनमें से मैं ये कहूं। पत्नी ने कहा 30 साल से आप दावा करते हो, मिट्टी है, धूल है। बोले क्यों? एक भी घोटाले में आपका नाम नहीं है, एक भी कांड में आपका नाम, कम से कम लंका कांड में तो नाम होना चाहिए, कहीं भी आपका नाम नहीं है,
तो स्वर्ग की परिभाषा में फिर चतुराई मत लाना, स्वार्थी कार्य कुशल देवताओं की बात मत लाना, केवल भोग की बात लेना। यहाँ जो स्वर्ग की बात है, सेव ही शिव सुख, भगवान शिव की ये भूमि है, महादेव की भूमि है, नर नारायण की भूमि है, हरिहर की ये भूमि है, तो हम सब स्वर्गस्थ हो ही गए, स्वर्ग में बैठे हैं आज, इसमें स्थित हो गए, बस ऐसे स्थान में आ गए कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं। स्वर्ग से तो गिरना पड़ता है, लेकिन ये ऐसा एक मौलिक स्वर्ग है, स्वर्ग को भी ईर्ष्याएं, ऐसा ये स्वर्ग है, तीर्थ की भूमि है, वहाँ आकर भगवत कथा का गान करने का तो अपने आप में एक विशिष्ट महिमा है। जप हूँ जाय संकर सतना, भगवान को शिव के समान कोई प्रिय नहीं है, शिव के समान इतना कोई प्रिय नहीं है, इस भरे भरोसों के इस प्रतीति को जरा भी विस्मृत मत करना, और जब मौका मिले तुरंत विश्राम यदि चाहते हो तो 100 बार शंकर के नाम का, मैं तो बहुत समय से ही कह रहा हूँ कि सुबह शाम या तो एक बार रात में और दिन के अंत में, पूरी रात गई पूरा दिन गया और सायंकाल हुआ तो 24 घंटों में तमोगुण में या रजोगुण में, दिन में रजोगुण रात में तमोगुण, इनमें से मन वचन कर्म से यदि कोई हमारे से भूल हो जाए तो हर मंत्र में अपनी शक्ति है, लेकिन रामचरितमानस का ये अकाट्य मंत्र है कि 100 बार शंकर का जप करो, तुरंत विश्राम का अनुभव होगा, जल्दी इसमें शांति का अनुभव जीव को होगा, इसलिए 100 बार शंकर के नाम वाली पंक्ति इस कथा में उठाई है, क्योंकि महादेव 100 साल से भगवत कथा यानी यहाँ वेदांत श्रवण कर रहे हैं। तो आइए अब कथा का दौर थोड़ा आगे उठाएं, थोड़ा क्रम में कथा भी जो हमको आज्ञा है उसके मुताबिक हम कथा को भी थोड़ा आगे बढ़ा दें, जिस ढंग से मैंने अभी कहा कि एक एक प्रश्न का उत्तर लेते हुए। तो कल संक्षेप हमने आपके सामने बात रखी श्री हनुमान जी की वंदना तक की बात, प्रणव पवन कुमार खल दल पावक ज्ञान कर जा सूर गए बस ही राम सर। तो हनुमंत वंदना गोस्वामी जी ने की, हनुमंत वंदना नितांत आवश्यक है, खूब हनुमान जी का आश्रय करो, बहन भाई इसमें कोई भेद नहीं है, हनुमान चालीसा का पाठ कोई भी कर सकते हैं, सुंदरकांड का पारायण कोई भी कर सकता है, कोई वैदिक अनुष्ठान हो या कोई ऐसे अनुष्ठान हो जिसमें आचार्यों ने प्रतिबंध लगाए हो उसका तो निर्वाह सबको करना चाहिए, बाकी हनुमान चालीसा सुंदरकांड आदि में नारी पुरुष का कोई भेद नहीं है, ये हर वक्त में खुलासा करता रहा, क्योंकि एक बहुत दृढ़ बात हो गई लोकमानस में कि बहन लोग हनुमान चालीसा न कर सके ये न कर सके, ऐसी कोई बात नहीं, हनुमान जी तो हमारा प्राण तत्व है, इसलिए इनके साथ, क्योंकि हम उसको न छू सके ये तो ठीक है, चलो उसको न छूए क्योंकि इतनी पवित्रता है, लेकिन वो तो 24 घंटों हवा बन करके हमको छू रहा है,
24 घंटों हमारे में प्रवेश करना इस कर रहा है। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं प्रणवऊ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जा सुहृदय आगार बसई राम सरचाप धर। तो श्री हनुमान जी की वंदना की, खूब हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी को मानस गा करके पाठ करके जैसे आपको अनुकूल हो हनुमान जी को खूब सुनाएं। मानस का पाठ बहुत होना चाहिए, हो रहा है और मात्रा में होना चाहिए, और इससे इस चेतना से राष्ट्र का और विश्व का अच्छा हो सकता है। बाकी तो सब साधन इतने सफल नहीं मालूम होते हैं। कोई चेतना वाले महापुरुष, भजनानंदी महापुरुष, ऐसे सिद्ध संस्था में जो महापुरुष हैं रहे हैं रहे आते रहेंगे, ऐसे सभी इस चेतना की भूमि से राष्ट्र का कुछ वो हो सकता है। तो हनुमान चालीसा खूब करें, सुंदरकांड रामचरितमानस खूब सुनाएं, यहाँ भी पाठ होता है सुबह सुबह मैं सुनता हूँ, कितना अच्छा लगता है मानस का पाठ। और आप तो मानस की चौपाइयों का स्वाद ले चुके हैं, एक एक पंक्ति कितनी प्यारी लगती है, चबाए जाते हैं, सालों गुजर गई लेकिन दिने दिने नवम नवम, दो पंक्तियों के बीच में से अर्थ निकलने लगता है, ऊपर की पंक्ति और नीचे की पंक्ति, ऐसा अद्भुत शास्त्र है ये रामचरितमानस, अलौकिक ग्रंथ है शास्त्र। तो गीता रामायण उपनिषद भागवत ये सभी ग्रंथ जहाँ जहाँ जिसकी पहुँच कोई सदगुरु के चरणों में बैठकर उसका बहुत वो करे, भगवत कृपा से आज गंगा के तट पर बैठकर मानस का खूब पाठ करें। लोगों में मुझे कल एक बात सुनने को मिली, लोगों में कितने अमेरिका में लोगों को कितनी श्रद्धा बैठ गई। मुझे कल एक हमारे भाई कह रहे थे कि बापू हम अमेरिका जा रहे थे, गए तो एक जगह जा रहे थे तो थके थे तो देखा तो रामकथा की कैसेट पड़ी थी, तो ये 1.5 घंटे का रास्ता पूरा हो जाए इसलिए कैसेट लगा दी, तो राम कथा चल रही थी तो एक बार सुना तो फिर दूसरी साइड ऐसे अपने आप बदल गई, वो भी सुन ली, तो फिर दूसरी कैसेट नहीं थी तो फिर लगाई, तब वो राम कथा का प्रेमी रहा होगा जो ड्राइविंग करता होगा, वो सजल ने बोला कि अब चौथी बार मत लगाना, क्यों कि बापू थक जाएंगे। ये जो भाव उठा है मुझे लगता है हमारा गाना सार्थक हो गया, उसको ये भाव लगे कि नहीं 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 बस अब ज्यादा नहीं, अब नहीं, 3-4 बार आपने गवा लिया बार बार अब जा, ये जो भाव अमेरिका की भूमि में उठे ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी मधुर बात है। खूब रामायण का पाठ करो खूब, मैं युवान भाई बहनों को प्रार्थना करूं तुम्हारी झोली में रामायण और गीता होनी ही चाहिए, बस रामचरितमानस और गीता लेकर घूमो, जब मौका मिले पाठ करो, ये सब मंत्र है। कल बिलो गिरिजा साबर मंत्र जाल, नए नए पंथ पैदा किए हैं मेरे महादेव ने, ये पांचों बात मुझे कहनी है बारी बारी से, महादेव ने पांचों जैसे रास्ते बनाए, रास्ते खोजें, रास्ते दिखाएं, रास्ते जाने, रास्ते पर चलें, और रास्ते को कभी मिटने न दिए, बिगड़ने न दिए, सनातन पंथ को, वैदिक परंपरा को अक्षुण रखा, इस मार्ग पर चलने के लिए खूब मानस का पाठ करो, खूब पाठ करो। भगवान शंकर ने चारों प्रकार से भजन किया, चार द्वार प्रभु मिलन के रसिकन कियो निरधार। भगवान को मिलने के चार दरवाजे हैं, बस रसिक लोगों ने यह निर्णय दिया इन चार दरवाजे से ईश्वर को पा सकते हैं, कोई भी चाहे भगवान के पास पहुंचना चाहे तो चार दरवाजे रसिक आचार्यों ने बता दिए कि इनसे आप प्रवेश कर सकते हैं। चार द्वार हरि मिलन के रसिकन कियो निरधार, नाम रूप धाम रूप नाम ललित लीला विस्तार, ललित लीला विस्तार ऐसा कुछ।
चार दरवाजे भगवान के मिलन के, नाम रूप लीला और धाम। और रामचरितमानस में भगवान शंकर एक ऐसे महापुरुष हैं कि चारों दरवाजे पर डाका डाला है उसने। जैसे चार दरवाजे पर कोई हमला कर दे, गिर ले, वैसे महादेव ऐसे हैं कि चारों दरवाजा पर उसने हवा बोल दिया, नाम के दरवाजे पर। तुम पुनि राम राम दीन राम सादर जप आनंद नाम के दरवाजे पर। पार्वती कहती है महाराज 24 घंटों आप राम 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 जपते हैं, मैंने हर समय महाराज देखा है, रात दिन आपका एकमात्र काम है बस रघुनाथ जी का भजन करते। तो नाम के दरवाजे पर भगवान शंकर का वो है, रूप के दरवाजे पर मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन मन बाहे की, उसी के ध्यान में डूबे रहते, उसी रूप में डूबे रहते। रघुनाथ जी की मूर्ति को सदैव अपने हृदय में, रूप में कितना, रूप पर तो कैसा ढाका डाला, नयन पंच दस अति प्रिय लागे शंकर राम रूप अनुराग। भगवान जब दुल्हा बनकर मिथिला में निकले हैं तो भगवान महादेव अपने 15 नेत्रों से ठाकुर के रूप का अनुसंधान कर रहे, रूप के दरवाजे पर डाका डाला। तो नाम रूप और लीला का तो नित्य गायन करते रहते हैं। भुजगराज भूषण धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को पुकारी, पूछे उर रघुपति कथा प्रसंग सकल लोक जग लीला गाते रहते हैं। लीला के द्वार पर भी भगवान शंकर ने वो किया है। और धाम जिसकी चर्चा कोई विषय में अभी मैं कर रहा था कि जब जब धाम में जाने का मौका मिलता है, कभी बंदर बनकर, कभी ज्योतिषी बनकर, कभी कुछ बनकर, भगवान श्री धाम में पहुंच जाते हैं। तो भगवान के ये चार दरवाजे हैं प्रभु को प्राप्त करने, इनमें से कोई भी दरवाजा ले लो। और राम कथा में नाम भी है, रूप भी है, धाम भी है, लीला है। भगवत कथा में ये सभी पर्याप्त मात्रा में होता है। तो हनुमान जी का खूब आश्रय करें, खूब मानस का पाठ करें, बस वो बचाएगा, इससे पाप की वृत्ति कम होगी और हम इस भीषण काल में सही अर्थ में कुछ एक नया समाज पैदा कर पाएंगे। तो श्री हनुमान जी का खूब आश्रय करियो। प्राण तत्व है श्री हनुमान जी, पवन पुत्र है, सबको प्रतिपल छू रहा है। तो हनुमान जी की वंदना की, फिर सबकी वंदना करते हुए गोस्वामी जी ने माँ जानकी की वंदना की। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा ताके जुग पर कमल मनावहु जासु कृपा नीर मनमति पावहु उनि मन बचन करम रघुनायक चरण कमल पदम्बहु सब राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक उनि मन वचन
जनक राज की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान की अति प्रिय श्री जानकी जी की वंदना गोस्वामी जी ने की और कहा कि हे माँ, तेरे चरणों को मना रहा हूँ कि मुझे निर्मल बुद्धि प्राप्त हो। कई बार इसकी चर्चा हुई कि बुद्धि लोगों में बहुत है, समस्या इतनी है, निर्मल नहीं है। बस बुद्धि में जो विवेक होना चाहिए, शुद्धि होनी चाहिए, बुद्धि तो बहुत है, चतुर तो लोग बहुत बन गए, पूरा संसार जानता है। कहने का मेरा मतलब, माँ की कृपा से निर्मल बुद्धि प्राप्त हो, और जब बुद्धि निर्मल हो जाएगी, जीव साफ सुथरा हो जाएगा, उन्हीं मन वचन कर्म रघुनायक, फिर माँ से पाई वो बुद्धि, वो मन, वो पवित्र वचन, वो सब लेकर के भगवान राम की वंदना की है, जो राजीव नयन है, करुणा निधान है, भक्त विपत्ति को तोड़ने में सदा सर्वदा तत्पर रहते हैं, ऐसे रघुनाथ जी की वंदना की। और कोई ये न समझे कि ये दो हैं, इसलिए उसका अभिन्न स्वरूप प्रतिपादित किया। गिरा अरथ चल बीच सब कहियत भिन्न बंदौ सीता राम पद जी नहीं परम प्रिय। गिरा और अर्थ की तरह, जल और तरंग की तरह, बोलने में देखने में थोड़ा भिन्न है, तत्वतः अभिन्न है, ऐसे सीताराम जी की गोस्वामी जी ने वंदना की। फिर नौ दोहे में रामनाम महाराज की वंदना और इनकी महिमा संक्षेप में गोस्वामी जी के शब्दों में। बंदव नाम राम रघुबर को हे तू विधि हरि हर वेद प्राण सो अगुण अनुप सो महामंत्र जोई जपत महेश काशी मुक्ति प्रथम पूजियत नाम प्रभाव जान आदि करि नाम प्रताप वयु सुधर करि उड़ता जातु सहस नाम सम सुनि शिव रघुवर का जो राम नाम है उसकी वंदना करते हुए गोस्वामी जी ने कहा वो अग्नि सूर्य और चंद्र का हेतु है, विधि हरिहर मई है, वेद का प्राण है, राम नाम क्या नहीं है। पूर्णांक में उसकी चर्चा की। राम नाम ये दो अक्षर
नाम भी है और महामंत्र भी है। और ये महामंत्र है वो हमको ही नहीं कहते हैं, महादेव स्वयं जानते हैं। महामंत्र जो जपत महेश और काशी मुकुति हेतु उपदेश। राम नाम महामंत्र है, राम नाम बीज मंत्र क्या नहीं है। विनय में गोस्वामी जी कहते हैं बीज मंत्र पाठ भी आता है, राम मंत्र भी पाठ आता है। बीज मंत्र जपिए सदा ज्यो जपत महेश। तो राम नाम क्या नहीं है, तो शिव जी उसको महामंत्र समझकर जपते हैं। गणेश जी ने नाम की महिमा जानी, प्रथम पूज्य हो गए। आदि कवि ने नाम का आश्रय किया, कहां से कहां पहुंच गए। भवानी ने जब सुना कि ये नाम का प्रभाव तो सहस नाम के बराबर है। राम रामेति रामे रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुलम राम नाम बराबर। रोज 21,600 जाप जो कोई ऐसे मंत्र का जपते हैं वो तो वंदनीय है ही। लेकिन मानो आपके मन में इच्छा है कि रोज 21,000 और 600 जाप हो, लेकिन समय नहीं है अथवा तो आलस है, प्रमाद है, जो कई कारण हो सकते हैं, न होता हो तो, किसी भी प्रकार से न होता हो तो ही इस प्रयोग करना। वरना सामर्थ्य होते हुए भी आप फिर इस बात को पकड़ ले तो ठीक नहीं। यदि न कर पाओ किसी भी प्रकार से तो 24 तुलसी दल लेना रोज, 24 गिन करके, और शुद्ध जल। तुलसी दल तोड़ने की जो विधि है, वैष्णवी पद्धति जो है, उसके मुताबिक तुलसी दल लेना और पवित्र जल से उसको वो करके अभिषिक्त करके फिर एक एक तुलसी लेकर ये बात बोलना, राम रामे इति रामे इति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम राम वरानने। शालिग्राम पर चढ़ा देना, 24 बार बोलो, तुम्हारा 21,600 जब से ज्यादा होगा। लेकिन ये तभी, हाँ तुमने ओळखू छू, हाँ ये लोगों ये पकड़ लेंगे कि बस ये तो सरल हो गया। अभी बंबई में एक राष्ट्र की एक बड़ी प्रमाणिक व्यक्ति कह रही थी कि लोगों को, श्रोताओं को कह रही थी कि ये कितने भाग्यशाली हैं कि आप बापू को साल में एक बार इतने भाव से, मैं तो पहली बार आ सका, लेकिन आप कितने भाग्यवान हैं कि बापू को साल में एक बार प्रतिवर्ष नूतन साल में आप सुनते हैं, कितने, मैं तो कम प्रमाणिक हूँ। वो कह रहे थे आप तो कितने प्रमाणिक रहे होंगे, कितने अच्छे रहे होंगे। फिर मेरी बारी आई, मैंने कहा कि आपकी भूल है, ये मुझे साल में एक बार नहीं सुनते, पूरी साल सुनते हैं, फिर भी नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं भाई, सुनने की आदत हुई वो भी तो बहुत है। हाँ हमारे देहातों में कथा कही जाती है कि एक महाराज और उनका चेला भिक्षा के लिए एक देहाती घर के पास गए, तो सास बाहर गई थी और बहू अकेली थी, रसोई कर रही, और बहू को कोई धर्म में, साधु संत में कोई ऐसी रुचि नहीं थी, ऐसी स्वभाव की रही होगी। तो महाराज भिक्षा पात्र लेकर आए तो आटा देते थे, सब देहातों में आटा डालते थे, तो सास नहीं दी तो बहू को गुस्सा आ गया कि ये लोग महात्मा लोग बस कुछ काम करते नहीं और ऐसे मुफ्त का खाते हैं। तो उसको श्रद्धा नहीं थी, तो न जाने कितने कितने तर्क लगा लिए उसने, तो उसके पात्र में आटा देने के बदले चूल्हे में से राख उठाई, जो भस्म थी सफेद आटे की जैसी, तो एकदम मुट्ठी राख की भरी और महाराज के पात्र में डाल दी और महाराज ने आशीर्वाद का ढेर लगा दिया, पुत्रवती भव, ये हो ये हो। चेला जुवान था, उसने कहा बाबा अब आंख का इलाज करवाइए, आपकी आंखें कमजोर हो चुकी हैं, आप आशीर्वाद दे रहे हैं, जरा ये तो देखिए कि उसने आटा दिया है कि राख दी है, आटा के बदले राख दी, जो अभी तक जो आटा मिला था वो भी बिगाड़ दिया उसने, और आप कहते हैं बस ये हो ये हो। गुरुदेव ने कहा कि मैं 35 साल से भिक्षा मांग रहा हूं,
और कोई अपने हाथ में आटा लेकर निकलता है देने के लिए, तो दूर से पहचान लेता हूँ कि उनके हाथ में बाजरी का आटा है कि गेहूं का है कि कौन अन्न का है। मैं इतना निष्णात हूँ तो क्या मैं ये नहीं समझ पाया कि ये राख है? मैं भी समझ गया था कि राख था, राख है, तो फिर आशीर्वाद क्यों दे? बोले इसीलिए कि राख तो राख, लेकिन देने की आदत तो हुई है, तो राख दी है, कल कुछ और देगा, कम से कम हाथ तो उसका उठाए। वैसे सुनते तो हो आप, आज नहीं तो कल, जल्दी भी क्या है, क्या जल्दी क्या? लोग कहते हैं बस अब मर जाना है। अरे भाई मरेला तो सी, अब उतावल शू करवानी, अब संस्कार बाकी है। लोग कहते हैं मर जाए, बस मर जाए, इतनी जल्दी क्या है? वहां हमारे लिए कोई सोफा सेट तैयार नहीं है, जल्दी मत करो। जैसे भी हरि कथा सुनो, कभी न कभी बनेगी। अरे हमारे कर्मों से नहीं बनेगी तो उनकी करुणा से बनेगी। वो नोंद तो लेता होगा ना कि ये चार घंटा सुनता है, कैसे भी सुनता है, उसकी नोंद वो तो लेता होगा। और कभी और बात जब भी बनी है किसी की करुणा से ही बनी है, अपने कर्म से बनी है, उनके कर्म से बनी है। जब उनकी कर्म हो जाते, भगवत कथा सुनते हैं, इससे बहुत अद्भुत घटना घट सकती। खूब सुनो, और आप सुन रहे हैं, अच्छी बात है। तो क्या बात भाई? राम रामेति। तो मैं आपसे ये कहने जा रहा था कि इसी मुद्दे को कोई न कर पाए तो जरूर पकड़े। मैंने उसको बहुत किया है, बाद में बोल रहा हूँ, पहले ये करता था, खबर नहीं कितने साल हो गए। पहले तो लिखता था रोज 24 बार एक डायरी में, राम रामेति रामेति रामे रामे मनोरमे, 21,000 हो गया, ऐसा करता था। फिर तुलसी, लेकिन जब वह समय जब मिल जाए फिर तो माला पर अंगुली पर कैसे भी आप राम राम। लोगों को बाबा जी कितने, कल मेरे पास लंदन से एक फ़ोन आया, महुआ से मुझे खबर दी गई कि एक राम कथा सुनने वाले परिवार के मकान में, पूरा मकान था, बड़ी बिल्डिंग, उसमें कई लोग रहते थे, उसमें आग लग गई 2 दिन पहले। तो एक राम कथा प्रेमी परिवार, तो वो सकुशल निकल गए सब, तो उसकी माता जी ने एक तस्वीर बचा ली और जो बचाया उस वो लेकर निकल, बाकी तो सब कुछ आदमी मर भी गए ऐसी खबर है, लेकिन वो निकल गई। तो फिर उसने महुआ फोन किया कि मेरा रोज का नियम था कि माला पर जप करना, मेरी माला वहाँ रह गई है, पुलिस जाने नहीं देती, जब तक मेरी माला ना आए मैं पानी नहीं पीऊँगा, या तो बापू को पूछ कर आदेश प्राप्त करवाओ। तो मैंने कल महुआ कहा कि अब उसका फोन आए तो कहो कि अंगुली पर जप लो, ऐसे जप लो, या तो दूसरी माला हो उसमें जप लो, लेकिन इस निष्ठा को मैं वंदन करता हूँ कि जप की कितनी निष्ठा विदेशों में। तो जब आपको मौका मिले माला पर करो। मैं तो उसको माला नहीं कहता हूँ, क्रिकेट बैट कहता हूँ, आज क्रिकेट की मौसम चल रही है ना, इसको मैं क्रिकेट, इसलिए क्रिकेट वाले स्क्रीन हटाते हैं ना, तो मैं आज सुबह में इशारा कर रहा था कि ये स्क्रीन जरा हटा दो, मुझे गंगा जी नहीं दिखाई दे रही, ये बैनर लगे थे आज, तो इसलिए मैंने सूचना दी कि भाई जरा उसको हटा दो, कि माँ का दर्शन नहीं हो रहा है। तो उसको तो मैं बैट कहता हूँ, वो लोग खेलते हैं ना बैट, तो एक फटके में ज़्यादा से ज़्यादा कितना रन हो सकता है? 6 होता है ना, इससे ज़्यादा तो कोई 6 मार दे, 6 होते हैं, और इसमें एक फटका मारो तो 108 रन, एक एक माला से एक एक सदी ना? और कोई क्लीन बोल्ड ना कर पाए, LBW का सवाल ही नहीं, रन आउट कोई, क्योंकि दौड़ना हो तो रन आउट हो ना, खड़े खड़े ही रन आउट का कोई संभावना नहीं, LBW का संभावना, स्टंप कोई नहीं कर सकता, क्रीज में रहीने ज रमवानो, बसी क्या मर्यादा में रहीने ज खेलवानो, भजन भी मर्यादा के साथ करो, तो फिर कौन आउट कर सकता है? कोशिश तो बहुत करते, लेकिन कहने का मेरा मतलब हरि भजो। तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। तो हमको बताया गया था ये प्रयोग कि तुलसी जी चढ़ाओ, समय मिले तब तो करो ही खूब जप, जब से ही सिद्धि है, जब से ही शुद्धि है, इसलिए। बाकी मान लो कि कोई संजोग में समय न मिला तो एक विकल्प,
ये भी हैं सहस नाम सम सुनि शिव बानी जपि जे प्रिय संग भवानी जपि जे प्रिय संग भवानी हर्षे हेरी हर प्रिय भूषण प्रिय भूषण बंद राम रघुवर को हे तू कृषान आनी वर को हे तू कृषान आनी वर तो भगवान नाम की बड़ी महिमा एक बार राम बोलने से सहस नाम का फल प्राप्त हो जाता है सहस नाम की वो हो जाती है भवानी भी शिव के संग यही मंत्र का जप करने लगी पूरे परिवार का एक ही मंत्र था शिव भी वही मंत्र गणेश भी वही मंत्र भवानी भी इसका व्यवहार धर्म में घर में शांति लाने के लिए भी जरूरत है कि मंत्र का एक अर्थ होता है विचार घर में सबका एक विचार हो तो शांति बनी रहती है बेटे का विचार भी वही बाप का भी वही पत्नी का बड़ा मुश्किल है लेकिन यदि एक विचार घर में हो तो कितनी शांति और एक मंत्र हो तो कितनी वो तो पूरा परिवार राम नाम जप रहा है फिर तो गोस्वामी जी ने बड़ा लंबा वर्णन किया है पूर्णांक में जैसे रामचरितमानस है वैसे इस नाम महिमा के प्रकरण में नामचरितमानस भी है राम नाम का नाम ने जो चरित किया है अद्भुत किया है भगवान राम ने ताड़का को मारी अहल्या को तारी इनके नाम ने कोटि खल कुमति सुधारी न जाने कितने कितने की जड़मति को चेतना में परिवर्तित कर दी भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ा इनके नाम के आश्रय करने से कई भक्तों के अहंकार के धनुष टूट गए और भक्ति को प्राप्त कर ली भगवान राम ने वन में जाकर दंडक वन को पावन किया आज इनका नाम कई जन मन को पवित्र करता रहता है भगवान राम ने शबरी गीद आदि को शरण में रखा आज नाम गरीब अनेक निवास है इनका नाम कई गरीबों का कई ऐसे शरणागतों का ऐसा बना है भगवान राम ने बहुत परिश्रम करके सेतु बनाया भगवान राम के नाम के लेने मात्र से भवसिंधु सुख जाता है भगवान राम ने सकुल सदल रावण को मारा और आज उनका नाम हमारी सभी दुराशा को दुरीत को हमारे विकारों को नष्ट कर देता है और भगवान राम गादी पर बैठकर राम राज्य स्थापित हुआ उनका नाम के कारण साधक को भीतर ऐसा राम राज्य स्थित होता है कि अपने सुख में सदैव मग्न रहता है तो राम नाम की बड़ी महिमा गोस्वामी जी ने गाई दृष्टांत भी बहुत दिए किसको कैसा फल हुआ क्या फायदा हुआ वो भी भूरी मात्रा में बताया है और गोस्वामी जी ने कह दिया कि ये कलयुग है इसमें एकमात्र उपाय है नहीं कलि कर मन भगति विवेकु राम नाम अव लंबन हेकु राम नाम अव लंबन हेकु राम नाम कलि अभिमत दाता हित पर लोक लोक पितु मात इसीलिए भाई कु भाई अनक भालस नाम जपत मंगल दिशिरस नाम जपत बंदौ राम रघुवर को हे तू कृषान तो राम नाम की बहुत महिमा गाई जो हकीकत है
कलयुग में और कोई साधन हम जैसे लोगों के लिए इतना सुलभ नहीं है कि हम भक्ति कर पाएं, हम ज्ञान में सफल हो सके, ये बहुत सब कठिन है। नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेक, कर्म भी हमारा कहाँ कलंक मुक्त है, ज्ञान कहाँ हमारा अभिमान मुक्त है, और भक्ति कहाँ हमारी दंभ से मुक्त है। इन तीनों रोग पकड़े हुए हैं। जब हम जैसे लोग भक्ति में दंभ आ गया, ज्ञान में अहंकार आ गया, कर्म में कपट आ गया, इसलिए आदमी तीनों रास्ते से च्युत हो गया। इसलिए गोस्वामी जी पथ प्रदर्शन करते हैं कि सबके लिए सुलभ नहीं है। राम नाम अवलंबन एको, राम नाम का खूब आश्रय करो, बहुत दरवाजे खुलते हैं भाई। मैं एक बार कैलाश आश्रम में आया, कहीं जा रहा था, निकल रहा था, मुझे याद नहीं है, तो और तो कथा के लिए नहीं, ऐसे ही यहाँ से निकला था। तो पूज्य श्री का तो रोज वेदांत का वो स्वाध्याय पठन पाठन, तो मैं भी जाकर पीछे बैठ गया, तो उसी समय प्रकरण चल रहा था और आपने फरमाया था कि ब्रह्म सबके हृदय में है, फिर भी दुख से निवृत्ति नहीं हुई, क्योंकि ब्रह्म के होने से दुख की निवृत्ति नहीं है, ब्रह्म को जानने से निवृत्ति, ब्रह्म को प्रकट होने, ब्रह्म ज्ञान से निवृत्ति हो सकती। बाकी गोस्वामी जी ने भी यही पक्ष को बहुत श्रद्धा के साथ रखा है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। परमात्मा तो ऐसे ही बैठा है सबके घट में, लेकिन उसका ज्ञान नहीं होता, उसका विवेक नहीं होता, तब तक दुख से निवृत्ति कहां हो रही है। भीतर बैठा है फिर भी नहीं हो रहा है। तो ये भीतर बैठा है उसको पहचानने के लिए, परिचय के लिए, प्रकट करने के लिए, जानने के लिए, ज्ञान के लिए बहुत से प्रयोग संत लोग करते हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने एक प्रयोग ये भी देखा दे दिया। सोई प्रगटत जिमि मूल रतन, हरि नाम से प्रकट हो जाता है, भगवान नाम से उस झलक मिलने लगती है। तो एक प्रयोग हम जैसे लोगों के लिए ये नाम का मार्ग है, अद्भुत मार्ग। और यहाँ मैं हर वक्त कहता हूँ कोई संकीर्णता नहीं, राम नाम की ही महिमा यहाँ गाई गई है, लेकिन कोई संकीर्णता गोस्वामी जी की नहीं है। जिसको जिस नाम में रुचि है सभी नाम उनके हैं, कृष्ण नाम, शिव नाम, दुर्गा नाम, जिसमें राम नाम इतना व्यापक है, राम सबका है, सबके हृदय में राम कहाँ नहीं है। 12 बज जाए तब दिल्ली में फोन करो, एक बजे कथा पूरी हो जाए बाद, फिर बीच में आप उठे कि चलो फोन कराए, बापू ने कहा है शास्त्र के वचन पर भरोसा करना चाहिए। तो 1 बजे आप यहाँ से जाएं, फिर दिल्ली में आपका घर हो तो वहाँ टेलीफोन कीजिए कि 1 बजा है, सूरज यहाँ है, वहाँ क्या हालत है, तो वो भी कहेगा ना कि यहाँ भी है, यहाँ भी है, वो तुरंत कहेगा। वो ये नहीं कहेगा कि ऋषिकेश में वहाँ है ना, यहाँ नहीं है सर, वहीं भी है, यहाँ भी है। अरे छोड़िए ना, हरिद्वार फोन कीजिए कि सूरज है, तो कहेगा कि भाई यहाँ है, तुम कहते हो यहाँ है। अरे छोड़िए, अपनी गली में किसी को दूसरे घर में फोन कीजिए कि भाई सूरज हमारे आंगन से दिखाई देता है, आपके घर में कैसा है, अरे बोले हमारे घर में भी दिखाई देता। अरे इतना छोड़ो, एक घर घर के आंगन में 5 घड़े रख दो, और एक बीबी का घड़ा, एक बादशाह का घड़ा, एक गुलाम का घड़ा, जो हो घर के पात्र सब हो, इन सब अपने अपने घड़े को चुनाव कर ले कि ये मेरा घड़ा है, ये सब में गंगा जल भर दो, और फिर सबको पूछो कि सूरज कहाँ है, तो ये कहेगा मेरे घड़े में है, दूसरा कहेगा मेरे जिमी घट कोटी एक रवि छाही। वैसे ब्रह्म तो सब में बैठा है, राम तत्व इतना अद्भुत है कि सब में वही है, सब में वही समाया, इसके सिवा कुछ। इसलिए कोई भी नाम लो इसमें राम है, तो कोई संकीर्णता नहीं, आपकी कृष्ण में रुचि, कृष्ण नाम अद्भुत, हरि नाम। तुलसीदास जी ने तो रामचरित मानस को कितना विशाल, हरि चरित मानस तुम गावा, रामचरित शब्द एक बार हटा दिया, कोई ये ना कहे कि इसमें संकीर्णता है। हरि यानी विष्णु, विष्णु यानी व्यापक, रामचरित मानस का एक दूसरा नामकरण रख दिया, हरिचरित मानस तुम गा, हरिचरित मानस कर दिया, कितनी अद्भुत विशाल दृष्टि है बाबा जी की। तो राम नाम की जब चर्चा है,
उसको सतनाम कहो, उसको साहेब कहो, उसको हरि कहो, उसको हर कहो, उसको माँ कहो, जो नाम में आपकी रुचि हो नाम का खूब आश्रय करें। उसको ब्रह्म कहो, भगवान कहो, ईश्वर कहो। मुझे अभी दो चार दिन पहले किसी ने पूछा कि आप राम की कथा कहते हैं तो आपका वाद क्या? मैंने कहा सब वाद से मुक्त हैं इसलिए तो कथा करते हैं। हमारा एक ही वाद है और यह शुभ शंभु उमा संवादा, हमारा वाद मत। फिर भी वो दबाव डालने लगा कोई भी वाद। आप ये चैतन्य परंपरा वाले सब कहते हैं ना मायावादी, मायावादी कहते हैं, मायावाद शब्द लगा चैतन्य परंपरा में ये किए अपने अपने। जब किसी भी पक्ष में जब आग्रह दृढ़ हो जाता है ना तब कुछ संघर्ष पैदा हो जाता है। सब बहुत दबाव के साथ अपनी अपनी ठीक है सबकी मस्ती, मायावादी मायावादी, तो कोई कहते हैं ब्रह्मवादी ब्रह्म, तो ऐसा दो ऐसे मिल गए तो पूछ रहे थे कि आप मायावादी हैं कि ब्रह्मवादी। मैंने कहा मैं भगवानवादी हूँ, शंकर भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान, दुर्गा भगवान, और वही ब्रह्म है और उसी की ये जो फिर कोई भी सिद्धांत ले लो नामवादी। तो मेरे कहने का मेरा मतलब है ईश्वर का कोई भी नाम उसको लो, नाम मात्र हमारे लिए एक हम जैसे जीवों के लिए। राम ब्रह्म, राम ब्रह्म है, परमारथ रूपा वो ब्रह्म है। रामस्तु भगवान स्वयं, राम साक्षात परमात्मा है, राम ही एकमात्र पुरुष है, बाकी सब प्रकृति। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावर रघुकुल मनि सोई स्वामी मम कही शिव नाय उमा। राम में सब आ गया जिस भाव से उसको पुकारो। कहने का मतलब बहुत सरल मार्ग है हरि नाम, राम नाम अवलंबन, कृष्ण नाम हरि नाम बस पुकारो। जब जब मौका मिले भीतर से एक ऐसी आदत हो जाए कि अंतःकरण हे हरि हे हरि हे हरि पुकार। किसकी नहीं बनी है बिगड़ी मेरे भाई बहन, भरोसा करो हा? मीरा का विष अमृत हो जाए, कालकूट फल दीन अमी। राम नाम जपते महादेव ने विष पिया, विष अमृत हो गया। जीवन तो एक शंकर का है, वही शिव है, बाकी सब शव है। शव और शिव का इतना ही अंतर है, वो एकमात्र शिव है, हम सब तो शव हैं, मुर्दे हैं। मैं नहीं कहता, साधु कड़ी बोली में काशी में रहने वाला क्रांतिकारी संत कबीर ने कहा, साधो गांव है, एकमात्र शिव शिव है, बाकी तो शव है। लेकिन शव को शिव होने का अधिकार है। आप कहें कि मर गए हैं फिर शिव कैसे? शंकर भगवान के पास जितनी वस्तुएं हैं उसमें जीवन संबंधी वस्तुएं कम है, मृत्यु संबंधी वस्तुएं ज्यादा है। फिर भी अजन्मानो लोका हिमे वायु भवन, कंठ में विष, गले में सांप, बीछू, भस्म, ये सब क्या है? मृत्यु की ओर संकेत। रुंड खोपड़ी की मालाएं, भूत प्रेतों का संग, मसान निवासी गोस्वामी जी कहते हैं काशी जैसे महाश्मशान में विनय पत्रिका कि तू काशी के मसान में रहने वाला तू है। सभी मृत्यु परक शब्द है उनके पास, स्थान मृत्यु परक, काशी में रहना आभूषण मृत्यु परक, ये सब भले बच्चे बोले थे लेकिन बोल तो गए।
तनुचार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयं। कहते हैं कि आदमी मरता है तो सब वस्त्र ले लिए जाते हैं और जैसा आया था वैसा। शंकर भगवान के पास करीब करीब 90% गंगा को छोड़कर, बक्रचंद्र को छोड़कर, माँ भवानी को छोड़कर, विवेकी गणेश को छोड़कर, पुरुषार्थी कार्तिक को छोड़कर और मुख से निकलती राम कथा को छोड़कर, जहां तक आप गिनती करिए, फिर मृत्यु का स्मरण कराने वाली बहुत सी चीजें वहां हैं। खोपड़ी की माला पहनते, स्मशान में रहते हैं। चिता भस्मालेपो गरल मशनम दीपदर जटाधारी कंठे भुजपतिहारी कपाली भूतेशो भवानी पाणी ग्रहण परिपाटी श्मशानेश्वा क्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा अमंगल्यम शीलम अखिलम तथापि स्वर्षूणां वरद परमं मंगलमसि। तो श्मशान किसके ओर संकेत करता है? भस्म कौन बात की संकेत? चिता किस बात की का संकेत करती है? रुंडमाला किस बात का स्मरण कराती है? कंठ में विष किसका स्मरण कराता है? साप बीछो दिगंबरी, ये सब किस बात की और हमको? लेकिन ये सब होते हुए भी शिव है। इसका मतलब हमारे साथ ये सभी लगे हुए हैं एक दिन, लेकिन हम चाहे तो शव होते हुए भी शिव बन सकते हैं। तन में मन शिव संकल्प, ये हो सकता है, ये घट सकता है। तो बाकी शिव तो एक है, इसलिए कबीर ने अपनी कड़ी भाषा में कह दिया था, बहुत क्रांतिकारी आदमी, साधो साधो ये मुर्दो का नाम, साधो साधो ये मुर्दो का नाम साधो। कबीर साहब तो जब किसी के स्मशान यात्रा, जीसस क्राइस्ट ने भी ऐसी बात कहीं कही है, लेकिन कबीर साहब ने बहुत जोर से ये बात, काशी में किसी की स्मशान यात्रा निकलती और कबीर के पास कोई कापड़ लेने आता, बेच रहा है चादर चदरिया चुनरिया, और कोई स्मशान यात्रा देख ले और अपने रिश्तेदार का कोई अचानक मृत्यु हो गई, उसको पता नहीं खरीदने वाले को, और कहे कि कबीर साहब ये हमारे परिवार के लगते हैं और मर गया, चलो हम उसमें जुड़ जाएं। बोले क्यों जल्दी करता है, मुर्दे को मुर्दे ले जा रहे हैं, ढोने वाले भी मुर्दे हैं, वो भी मुर्दा है, तू खरीद रहा है वो भी मुर्दा है, हरि नाम बोल तो शिव हो जाएगा। सूरज मरी हो चंदा मरी हो, सूरज मरी हो चंदा मरी हो, मरी हो धरती आकाश मरी हो, धरती आकाश चौदह भुवन का कबीर साहब ने फरमाया, नाम अनंत रहत है जग, हरि नाम अनंत हरि रहत है, दूजा तत्वन न होनी, दूजा तत्वन कबीरा सुनो भाई साधो।
अनंत सोई सावो सावो ये मुर्दो का नाम सावो सावो सावो। मुर्दे के कान में राम मंत्र देकर मुक्ति का अन्न क्षेत्र चलाने वाले भगवान भूत भावन अविनाशी होते हुए संतत जपत संभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। तो कहने का अभिप्राय मेरे भाई बहन, जिस नाम में रुचि हो, जिसमें रुचि हो, कोई भी नाम लो, हे हरि पुकारो, गाते रहो। हमारे सौराष्ट्र का भगत है, वो तो कहते हैं कि हमारा कोई पंथ नहीं है, ज्ञान पंथ तो कृपान की धारा है, बार बार गिर जाते हैं साधक तो मुश्किल। मैंने इसलिए कहा ज्ञान में अहंकार का खतरा, कर्म में कपट का खतरा और भक्ति में दंभ आ गया। तो क्या उपाय है? राम नाम अवलंबन। भक्ति मार्ग कठिन है, कर्म मार्ग कठिन है, ज्ञान मार्ग सबके लिए सुलभ नहीं। तो हमारा कोई पंथ नहीं, इसलिए एक भगत गाता है कि हमारा एक ही पंथ है। और क्या? पुकार करवो ये पंथ हमारो, एकमात्र हमारा पंथ है कि हे गोविंद तुम्हें पुकार। जब याद आ जाए और हमारे मुंह से तेरा नाम निकले, एकमात्र हमारा पंथ। और ना हम प्रेम पंथ में चल पाएंगे, क्योंकि प्रेम पंथ पावक की ज्वाला। मीरा को भी कहना पड़ा कि जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत किए दुख होए, तो नगर ढिंढोरा पीत थी कि तुम प्रीत करियो कोई। तो वो भी भक्ति का मार्ग कठिन है, इतना आसान गोस्वामी जी को लिखना पड़ा रघुपति भक्ति करत कठिनाई, कोई आसान मार्ग नहीं। ज्ञान मार्ग तो है ही, पूछो महापुरुषों को। कर्म मार्ग भी कहां हमारा दोष से मुक्त है। लोगों में दोनों प्रकार, न कर्म ठीक रहा। मैं एक जगह अभी कर्मचारियों की सभा में बोल रहा था मऊआ में, तो मैंने कहा कर्मचारी कर्म चोरी हो गए, देश के सभी कर्मचारी कर्म चोरी करने लगे हैं। कोई कर्म में कहां निर्दोषता रही, कर्म में सब जगह दोष लग गए। तो ऐसे समय में पुकार करवो ये पंथ हमारो। गोपी जनों ने क्या किया? केवल पुकार किया, हे गोविंद हे गोविंद, गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समा, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदरम। पुकार करो ये पंथ हमारो, अनशुद्ध हृदयनो सार, हमारे कोई नथी करवी नथी फरियाद जी। ब्रजवासी कहते हैं कि हे गोविंद हमें कोई फरियाद नहीं करनी, कोई शिकायत नहीं है तुझसे, तू आया था तेरी मस्ती से, निमंत्रण हमने नहीं दिया था, तू पैदा हुआ मथुरा, तूने योजना बनाकर गोकुल का चुनाव किया था, हमने कोई निमंत्रण देने की हमें क्षमता कहां थी कि हम तुम्हें आमंत्रण दें, तू आया था अपने आप, नौ तू कोई नौतरुतन नौ तो आगे तू अपने आप आया था, और आज ऐसे तू चला गया, वादा करके गया। और बाकी तो सब आश्वासन है, ठीक है, बाकी भक्तों को इस आश्वासनों से कहां तुष्टि होती है। खुशबू आती रहे दूर से ही सही, सामने हो चमन कोई कम तो नहीं। ये तो आश्वासन है, भक्त को पूछो तो वो तो कहे इससे हमको संतोष नहीं है, हम तो ब्रह्म साक्षात्कार चाहते हैं, हरि को पाना चाहते हैं, हमारी गोद में कृष्ण खेले, ये आश्वासन जरूर है। पंक्ति कहाँ की है आप समझ गए? खुशबू आती रहे,
दूर से ही सही सामने हो चमन कोई कम तो नहीं। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के, क्योंकि प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। लेकिन ये किसी के लिए भौतिक जगत की बात, बाकी कृष्ण के लिए तो राम ही केवल एकमात्र। तो भक्तों को कहां संतोष होता है? शब्दों में आश्वासन जरूर है और भौतिक धरा पर ठीक भी है। चांद मिलता नहीं सबको संसार में, है दिया ही बहुत रोशनी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, क्योंकि प्यार से भी जरूरी बहुत काम है। मैं तीन वस्तु कहता रहता हूं, सेवा करने से जगत प्रसन्न होता, त्याग करने से भीतर की आत्मा प्रसन्न होती है, और प्रेम करने से गोविंद प्रसन्न होता। सेवा करने से दुनिया बहुत प्रसन्न होती है, इसलिए प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के, खूब सेवा करो माता पिता की, परिवार की, पड़ोसी की, राष्ट्र की, शास्त्रों की, तीर्थों की। तीर्थों की सेवा कैसे होगी? जब तीर्थों में जाओ कहीं गंदगी ना करो, व्यसन छोड़ो, बाहर का और भीतर का प्रदूषण का अंत करो, तीर्थों की सेवा है। हम तीर्थों को कितना गंदा कर देते हैं। सेवा करने से संसार प्रसन्न होता, दूसरे लोग राजी हो जाते हैं। एक व्रत लो ना, संकल्प करो, व्रत लो, जैसे चातुर्मास का व्रत लेते हैं कोई, ऐसे एकादशी का व्रत ले, ऐसे एक व्रत करो कि हम सबको प्रसन्न करेंगे। लाख हम रोए भीतर लेकिन सबको मुस्कुराहट बांटेंगे। तो सेवा करने से दुनिया प्रसन्न होती है, निर्विवाद सत्य है। त्याग करने से दुनिया प्रसन्न नहीं होती, तुम्हारी भीतरी स्थिति प्रसन्न होती है। क्योंकि त्याग, आप सोचिएगा, त्याग करने से दुनिया प्रसन्न नहीं होगी, किस अर्थ में? तुम घर में ज्यादा त्याग करने लगोगे तो तुम्हारे परिवार के सदस्यों को अच्छा नहीं लगेगा कि तुम खाना छोड़ रहे हो, तुम अच्छे कपड़े नहीं पहनते, तुम बस चुपचाप भजन ही करते रहते हो, और न धन में रुचि है, न कोई अच्छी चीज में रुचि है आपकी, ये है, तो तुम्हारा त्याग परिवार को भी बहुत अच्छा नहीं लगेगा। त्याग परिवार को राजी नहीं कर सकता, त्याग अपने खुद ही को राजी करता है। परोसने वाला तृप्त होता है खाने से नहीं, दूसरों की थाली में परोसने से। जैसे दिया है और खाया तो उसने, खाया न खाया, कितना खाया भगवान जाने, लेकिन देने वाला तृप्त हो जाता है। प्रेम से परोसने वालों के चेहरे के फोटे लेने चाहिए, और लॉज में जो परोसे होटल में उसके फोटो लेने चाहिए। पूरी पूरा सभ्यता बदली मालूम पड़ेगी आपको। तो त्यागने से भीतरी आत्मा राजी होगी।
भगवान शंकराचार्य महाराज ने तो कह दिया है कि भाई भक्ति है, ज्ञान है, सबकी चर्चा की है, लेकिन वैराग्य के बिना घटना नहीं घटेगी, और वैराग्य है तृष्णा से मुक्ति, ये परिभाषा उसने दी है। त्याग से खुदी को आनंद दिया, देने का जो आनंद है बाप क्या बताए, और देने में चीज वस्तु ही नहीं, क्षमा दो। घर में किसी ने भूल कर दी, क्षमा, अरे बेटे क्या बात हो गई, चलो चलो क्या बात, किसी ने भूल की, तुम तो आंखें निकालते हो, दंड देने पर तूल जाते हो और साथ साथ भजन भी करते हो, दो मुख है दो आरे, कथा से संकल्पित होइए मेरे भाई बहन, सेवा से संसार प्रसन्न होता है, त्याग से अपनी भीतरी आत्मा प्रसन्न होती है, और प्रेम से ठाकुर प्रसन्न होता है। तो वहां तो प्रेम के बिना कोई चीज ही नहीं चलेगी, लेकिन भक्तों को वो पूरा का पूरा चाहिए। बाकी संसार के लिए ये बात ठीक है, प्यार से भी कहीं काम है, प्यार सब कुछ नहीं, जिंदगी के लिए छोड़ दे सारी दुनिया, किसी के लिए ये मुनासिब नहीं, आदमी के लिए प्यार से भी जरूरी काम। सरस्वती शब्द बहुत अच्छे, अभी मैंने सुने तो मुझे स्मरण पहले बहुत अच्छा लगता था, कुछ पंक्तियां बड़ी प्यारी, कितना नहीं, ये इसीलिए नहीं गा रहा हूँ, समझ कर नहीं गा रहा हूँ, उसका अर्थ गलत हो जाएगा, वो रसिकों की बात, यानी रसिक तो हम भी हैं, लेकिन वो गलत रसिकों की बात है, मन से मन का मिलन वो तो ठीक है, लेकिन आगे की पंक्ति का दुरुपयोग होता है, इसलिए खुशबू आती रहे दूर से ही तो सामने हो चमन, कोई कम तो नहीं, खुशबू आती रहे उसे ही से, सामने हो चमन, कोई कम तो नहीं, चांद मिलता नहीं सब संसार में, चांद मिलता नहीं सब बहुत रोशनी के लिए, है दिया ही बहुत रोशनी के, सावधान छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के, क्योंकि प्यार से भी जरूरी वही काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। लेकिन जिसने कृष्ण से प्रेम किया है उसको तो इसमें तृप्ति नहीं होगी, वो तो पुकारता रहेगा, पुकार कर वो ए पंत हमारो, अनशुद्ध हृदय नो साथ, हमारे कहीं करी नथी फरियाद। तो भक्त कहता है कोई फरियाद नहीं है, न्योता नहीं दिया था तू अपने आप रात के 12 बजे चोरी से हमारे घर आया था, हमारी कहां लायकात की ये गोकुल जैसा छोटा सा गांव इस विराट को निमंत्रण दे सके, तू आया था अपने आप, और ऐसा दगा नहीं करना चाहिए था, ये ठीक नहीं है। और छोड़ो सब बात, बड़ी अच्छी बात भक्त ने कही कि हमारे कोई फरियाद नहीं है, ये तो हमारे हृदय की बात बोल जाते, बाकी फरियाद नहीं, तो ये कही बात करनी है हमको कि कर भी नथी फरियाद, कोई फरियाद नहीं करनी है, तो क्या कहना है, एक ही बात कहनी कि गरीबों आया नहीं तनिया, हम ब्रजवासी जो रंक है गरीब है, हमारी याद भी तुझे ना आई, तेरे स्मरण में कभी हमारी एक कोई रेखा न फूटी,
एज गरीबो आया नहीं जो ले आ हमारे कई खरवी नथी फरिया करवी नथी फरिया एज गरीबो आया नहीं जो ले आ हमारे करवी नथी फरिया ज्ञानी नथी ध्यानी नथी ए नथी वाद के न हमें ज्ञान है न ध्यान है न योग है न शास्त्रार्थ कर सकते हैं न कोई वाद विवाद में सफल हो सकते हैं तो फिर हमारा कौन वाद है एक ही वाद है एक ही पंथ पुकार करो ये पंथ हमारो पुकार करो ये पंथ हमारो ए जी शुद्ध हृदय नो साथ हमारे काई करवी फरियाद जी हम पुकार करें बस हरि नाम का हरे कृष्णा 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 हरे हरि बोल एक दो मिनट के लिए भाव से ब्रजवासियों का इतना भाव प्रबल हो चुका था देवर्षि आए ब्रज में बड़े बूढ़ों को सुन मुन बैठकर देवर्षि ने पूछा ब्रजवासियों को कि क्या बात है आप बच्चे को क्यों नहीं बुलाते हो ये छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही पड़े हैं भूखे आप माँ बाप हैं कोई भाई को नहीं बुलाता कोई बहन को नहीं बुलाता कोई ये सब क्या बात है कोई मर गया क्या ब्रजवासियों ने कहा हाँ एक बेटी मर गई बेटी और ऐसी बेटी थी कि इतना बड़ा शोक कितने समय से आप लोग ये सब कर रहे हैं ये बेटी कौन थी ब्रजवासियों रो पड़े कि हमको इसकी याद मत दिलाओ अरे बोले जल्दी बताइए तो सही कृष्ण गया है वो स्वधाम तो नहीं गया मथुरा गया है तो इतना शोक क्यों करते हो गया है जरूर लेकिन आएगा बोले कृष्ण के बारे में ऐसा मत कहो लेकिन हम दूसरी बात कर रहे हैं महाराज बोले क्या हमारी बेटी मर गई तो बोले ऐसी कौन बेटी थी इसका नाम क्या था कि आप इतना शोक मना रहे तो ब्रजवासियों ने कहा उस बेटी का नाम ममता थी हमारी संसार से ममता मर गई एक गोविंद से ममता जुड़ गई अब उनके बिना कहीं चैन नहीं पड़ता प्रेम का अर्थ है जिसको एक बार भी न मिले तो कहीं चैन न पड़े और मिलने के बाद जिसका बार बार स्मरण होता है खूब जपो मेरे भाई बहन हरि को ये मौका है ये अवसर है बड़े भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सर ग्रंथ निगावा गोस्वामी जी ने वरदान दे दिया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जेही परलोक सवारा क्या ब्रजवासियों की स्थिति रही होगी संसार से हमारी ममता नष्ट हो बच्चे को देखते हैं तो कृष्ण याद आता है रोटी को देखते हैं तो कृष्ण का वो भाता याद आता है जहां देखो कृष्ण ही कृष्ण नजर आता है ये पुकार ये भाव इसलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा Hare Krishna
भगवान महादेव को जब सती का वियोग हुआ तब शंकर भगवान का वर्णन आप पढ़ते हैं मानस में, इन मंत्रात्मक चौपाइयों का स्वाध्याय करते हैं आप। भक्त विरह में भगवान शिव दुखित हैं, लेकिन कोई जगह पर ज्ञान का उपदेश करते हैं, कहीं राम गुणगान गाते कथित कहीं कथा सुनते हैं, ऐसा है। लेकिन भरत जी, भरत प्रेम की यदि महिमा को एक और देखो तो भरत जी के बारे में कहा जाता है कि राम के जाने के बाद वो राम कथा सुन नहीं सके। कोई राम कथा शुरू करते थे तो उसके सहसन नहीं होता था, केवल राम राम नाम जी जपो लोचन मीट, एक ही अवस्था रहती थी। वरना एक संबल था, पत्र आते थे वनवास से, मां कौशल्या के नाम पत्र आते थे, जिक्र होता था, थोड़ी बहुत चर्चा होती थी, लेकिन एक एक सबसे बड़ा संबल था कि किसी महात्मा को बिठा देते, वशिष्ठ जी को प्रार्थना करते, मां कौशल्या जी को कहते, शत्रुघ्न को कहते, किसी को कहते, लेकिन रामचरित्र नहीं सुन पाते थे। कोई शुरू करते ही इतने ढीले हो जाते हैं, नहीं, नहीं। जिस कथा में रघुनाथ जी को वनवास हुआ, नहीं, यह प्रेमियों की दशा, यह विरहियों की दशा, केवल पुकार था एकमात्र। इसलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा, किसी राम प्रेम पीयूष पूर्ण हो जजन भरत को, मुनि मन अगम यम नियम समदम विषम व्रत आचर, दुख दाह दारिद्र दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत, कलिकाल तुलसी से सठन हठिराम सनमुख करत को, हठिराम सनमुख करत को। तो पुकार करना, न भक्ति हो सकती है, भक्ति करते हैं तो दंभ परेशान करता है, ज्ञान की थोड़ी बहुत झलक मिलती है तो अभिमान छू लेता है, तप करते हैं तो क्रोध आ जाता है। तप का सबसे बड़ा खतरा क्रोध है, ज्यादा तपस्या की महिमा बहुत है, लेकिन जो तप करता है क्रोधी भी इतना बन जाता है बहुत मात्रा में। सब में अपवाद होते हैं, क्योंकि बहुत तप में खतरा क्रोध है, उग्रता आ ही जाती है, अर्जुन जो केवल तप में ही डूबता है उग्र हो जाते ज्यादातर। रमण महर्षि को किसी ने पूछा कि मैं भजन करता हूं, तप करता हूं, उपवास करता हूं, व्रत करता हूं, ये करता हूं, क्रोध बहुत आता है, क्या करूं? अच्छी औषधि से भी बीमारी बढ़े तो फिर कहां जाऊं, ये सब अच्छे साधन है। तो रमण महर्षि ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि तू क्रोध चालू रख, कभी छोड़ना मत, भूल से भी कोई कहे तो भी तेरे लिए पथ्य नहीं है। तो बोले क्रोध करना रखू, बोले हाँ, तो कैसे? बोले तेरे क्रोध पर क्रोध करता चल, तुझे गुस्सा आता है उस गुस्से पर गुस्से होता चल, कि दूसरे को नहीं आता और मुझे गुस्सा क्यों आता है, मुझ में क्रोध क्यों आता, इतना जप करता हूं, इतना पाठ करता हूं और मन में तो गुस्सा भरा है। तुम जीभ से सत्य बोलो, इतना भी पर्याप्त सत्य नहीं है, सत्य का विराट दर्शन करो। तुम जीभ से तो कई बार सत्य बोलते लेकिन भीतर में काती रखते हो, तो तुम्हारा सत्य पूर्ण नहीं है। कहने का मेरा मतलब नहीं, कलि कर्म न भक्ति, जहां भी जाओ हम जैसे संसारियों के लिए कोई ना कोई बाधा पड़ी है, तो तप में क्रोध सताता है, ज्ञान में अभिमान सताता है, योग करना है, चित्त वृत्ति की कोई ठिकाना नहीं, चित्त वृत्ति का निरोध नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं कलि कर्म न भक्ति, राम नाम अवलंबन। और छूट दे दी फिर उसमें भाई कुभाई अनख आलस
नाम जपत मंगल दिशी रस। तो हरि नाम का खूब आश्रय करे, बाकी कोई भी नाम जिसमें आपकी रुचि है, बस पुकार उठे हे हरि हे हरि। इसलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, सब गाइए हरे कृष्णा हरि बोल हरे दीयताम दीयताम कर्णो
ताम गीयताम नित्यम हरे करने से संसार प्रसन्न होता है, त्याग करने से अपनी भीतरी अवस्था प्रसन्न होती है। परिवार वाले प्रसन्न नहीं होते, उसको अच्छा नहीं लगेगा, और दूसरा त्याग करने से दूसरे लोग भी प्रसन्न नहीं होंगे। दूसरे देखेंगे कि आप त्याग वैराग में आगे बढ़ रहे हैं तो उसको जलन हो जाएगी कि ये इतना आगे निकल गया, ये इतना आगे। तो त्याग से संसार राजी नहीं होता, खुद ही राजी होती है, और प्रेम से परमात्मा राजी होता है। प्रेम से एकमात्र ठाकुर की प्रसन्नता हम प्राप्त कर सकते हैं, और यही प्रेम का पुकार करना ही एक मार्ग, एकमात्र प्रेमियों का ये मार्ग है। इसलिए राम नाम अवलंबन एको, फिर भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से, कैसे भी हरि नाम का आश्रय करें, भाव से ही लेना चाहिए। लेकिन यदि भाव न जगा तो भी हरि नाम मत छोड़े, आखिर में वही भाव जगाएगा, वही एकमात्र उपाय। तो गोस्वामी जी ने नाम महिमा और नाम वंदना की भूरी शह चर्चा की। कोई भी नाम विशालता से कोई आग्रह नहीं की, आपके जो नाम में आपकी रुचि हो वही राम नाम ही है। राम इतना व्यापक है, राम स्वयं ब्रह्म है, राम भगवान है, राम ईश्वर है, राम क्या नहीं है। तो राम नाम की महिमा गोस्वामी जी ने बताई, और इस महिमा के बाद गोस्वामी जी ने कथा का दौर आगे बढ़ाया, कथा का थोड़ा इतिहास बताया। सबसे पहले ये कथा महादेव ने रची और अपने मानस में रखी, योग्य समय पर पार्वती को सुनाया। भाई कथा तो मानस में, हृदय में उछल रही थी, रख ली थी, छिपाई थी, दबा रखी थी, लेकिन जब पाई सुसमय, योग्य समय आया, तभी हमारे सौराष्ट्र की गंगा सती बोली है, बिल्कुल है देहाती शब्द, लेकिन कितनी महत्व की बात कही है। कुपात्र नी आग वस्तु न वाविये पानवा समझी ने रही ये कुपात्र आग वस्तु। जब तक पात्रता न आए तब तक बीज न रोपे, चुप रहो रहे
मरने आवीने धनो ढगनो करे तुमे मरने आवीने धनो ढगनो करे भले होई मो देवता लोग अमृत का कुंभ लेकर सुखदेव जी के पास आए थे, भागवत कथा कहनी है, और देवताओं ने कहा कि अमृत हम दे दें हमको भागवत, लेकिन कुपात्र वस्तुन अधिकारी नहीं थे, वो स्वर्ग के अमृत के अधिकारी तो थे ही, इसलिए पूरा कुंभ भर कर लाए, लेकिन कथा का अधिकार तो परीक्षित को था। ए जी भले नहीं होई मोटो भले ने आवी ने धन नो इढगला करे अन मरने होई मोटो भूप कुपात्र नी आदल कोई दी वस्तुन वाविये पावा समझीन रे रची महेश निज मानस राखा चुप रहे कब मानस दिया पाई सुसमय सिवासन धाखा जब अवसर आया जब दिखाई दिया कि पात्रता आ गई है तभी कथा का अमृत भवानी को दिया बाकी मानस में दबा रखा था वही हर ही राम चरित सब आए कितना पुराना दबाया था और जब शिवा ने पूछा तब ये सब उछाल भरने लगा तो भगवान शिव ने रचा अंतःकरण में रखा योग्य समय पर शिवा को पार्वती को सुनाया फिर ये कथा काग भुसुंडी जी को मिली भुसुंडी जी ने गरुड़ को सुनाया संगम के तट पर तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क महाराज ने भरद्वाज जी को सुनाया और गोस्वामी जी ने श्री अयोध्या जी अपने संतों के सामने अवधपुरी यह चरित प्रकाश तो कथा का इतिहास बता दिया कि ऐसे कथा की गंगा उतरी है गोस्वामी जी तक तो चार आचार्य इस तरह कथा का वो कर रहे हैं उसी परंपरा में गोस्वामी जी कहते हैं मैं मेरे मन को बोध हो जाए इसलिए 1631 की साल थी रामनवमी का दिन था राम जन्म महोत्सव अयोध्या में मना करके इस कथा का आरंभ गोस्वामी जी उसको प्रकाशित कर रहे हैं मानस की पंक्तियों में फिर वो श्राम सादर शिव ही नाई अब बरनहुँ सद राम एक एक पंक्ति में गोस्वामी जी ने अमृत घोल दिया है शहद नहीं अमृत है एक एक मंत्र बोलते जाइए कृतकृत हो जाओगे संवत सोरह से करहुँ कथा जेहि दीन जन्म श्रुति गावहि तीरथ सकल
1631 की साल रामनवमी का दिन त्रेता युग में भगवान राम का प्रागट्य हुआ, तब जोग लगन ग्रहवार तिथि जब सब अनुकूल हुआ था, ऐसा ही 1631 की साल की रामनवमी के दिन योग बना था। और उस त्रेता युग की रामनवमी में राम प्रकट हुए, और कलयुग की गोस्वामी जी जो कह रहे हैं उसी रामनवमी के दिन रामचरितमानस प्रकाशित हुआ, कथा का आरंभ हुआ है। और गोस्वामी जी इस कथा का नाम बताते हुए बोले, राम चरित मानस लीला सुनत श्रवण पाय विश्राम, सुनत श्रवण पाय विश्राम, मन करी अनल वन होई सुखी रो एही सर परई, राम चरित मानस सुनत श्रवण पाई। नाम रखा रामचरितमानस, फल बताया, इसका श्रवण करने से विश्राम की प्राप्ति होगी। भाई उसमें कोई शंका है किसी को? करीब करीब सर्वमति है इसमें कि श्रवण करने से विश्राम मिलता है, करीब करीब शत प्रतिशत शायद किसी को, लेकिन जिसको विश्राम नहीं मिलता होगा वो तो बैठता ही नहीं होगा, इसलिए शत प्रतिशत कहने में कोई आपत्ति नहीं है। श्रवण करने से, भगवत कथा से यदि विश्राम न मिलता होता तो आप क्यों बैठते भाई? धंधा रोजगार छोड़कर आए हो, क्यों सुनते हैं लोग? जहां भी कथा होती, कोई भी महापुरुष कथा का गान करते, चाहे वेदांत की चर्चा हो, भागवत की हो, उपनिषदों की, कहीं भी कोई भी लोग के वृंद क्यों कथा, भगवत चरित्र, भगवान की चर्चा, ब्रह्म के विचार क्यों सुनते? सुनत श्रवण पाय विश्राम, सुनत श्रवण पाय विश्राम, तो सुनने वाले विश्राम को प्राप्त कर लेते, गाने वाले उसको क्या मिलेगा? सुनने वाले को तो आपका तो पक्ष मैंने क्लियर कर दिया, हमारे लिए कुछ करो, ये भी आदान प्रदान तो होना चाहिए। ठीक से आप कृपण बनोगे तो हम कथा कहने में कृपण हो जाएंगे, दोनों और प्रेम पलता है। मैथिली शरण गुप्त, आपको तो विश्राम मिलता है लेकिन गाने वालों को पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाहि, जाकी कृपा नवलेश ते मति मंद तुलसीदास, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि। और ये सही है, तो सुनने वालों को विश्राम मिलता है, गाने वालों को परम विश्राम मिलता। आपको अब लगेगा कि ये तो थोड़ा घाटे का सौदा हुआ, तो आप आ जाइए, राजगादी में प्रतिबंध है, व्यासगादी तो खुली है, वहां भी तो कुछ प्रतिबंध जरूर है। हाँ, कोई फावे में कुदिन गोठवाई जाए नहीं, उसकी भी अपनी मर्यादा है, उसकी परंपरा है। ये गादी तो है लेकिन केवल गादी नहीं है, व्यास की गोद भी है, और गोद में बैठने वालों को बहुत ख्याल करना पड़ता है, ये गोद है। इसे आजकल तो कई परंपराएं टूटती जा रही है, छोड़ो।
तो आपको विश्राम मिलता है, गाने वालों को परम विश्राम मिलता है, इस इतना फर्क क्यों? इसलिए विश्राम का अर्थ है आप कथा सुनते सुनते कभी 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 विश्राम में चले जाएं। आपको अधिकार है। ते सर्वर मानस अधिकार, आपको अधिकार है। इसलिए हमारे कथाकार लोग कहते हैं कि आप जमीन पर बैठे वो जमींदार है, हम चौकी पर बैठे हैं चौकीदार, और चौकीदार सो जाए तो चलेगा? उसको तो जागना चाहिए। जमींदार तो सो जाए अपने कमरे में, चौकीदार टहलता रहता है, उसको तो घूमता है। जमींदार कोई भी ड्रेस पहन ले, सफारी में हो, फुल ड्रेस में हो, कभी धोती कुर्ता में हो, हाँ? लेकिन चौकीदार का तो एक अपना यूनिफॉर्म होता है, व्यास गादी पर बैठने वालों का एक वेश होता है, कोई भी वेश पहन कर नहीं, एक नियम है ना। हम कथा में किदा करूँगा कि कथा कर भी तो कहीं चड्डी पहन नो बेहद, इसके लिए तो कोई कोई एक पाछो वेश एवो हो जाए कि अपना शरीर ने शोभे एवो, पाछो अच्छा भूंडा लग गई एवो पाछो एक 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 वेश। महापुरुष बैठते हैं गादी पर तो दर्शनीय हो जाते हैं, इसका एक यूनिफॉर्म होता है ना, एक गणवेश होता है अपने अपने ढंग का, एक ये सब नियम है, सब कुछ यार चौकीदार का अपना, इसलिए वक्ताओं का एक अपना वो होता है, क्योंकि वक्ता चौकीदार है। गोस्वामी जी ने कहा है, जे यही गावही चरित संभारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। रामचरितमानस के सरोवर का वो रक्षक है जो समझ कर मानस गाएगा, सोच समझ कर गाएगा, वो रक्षक है। और आप सादर भाव से श्रद्धा से आप सुन लेते हैं, आपको अधिकार है। तो कहने का मतलब परम विश्राम के लिए हम सबको और जागरूक रहना पड़ेगा, और सावचेत रहना पड़ेगा, और सावधान रहना पड़ेगा। स्थूल निद्रा तो मैं विनोद की बात कर रहा हूँ, बाकी वास्तव चेतना से जागृत रहना पड़ेगा, तब परम विश्राम की उपलब्धि होगी। सुनत श्रवण पाये विश्राम, सुनत श्रवण पाये विश्राम। मैंने सुना कि भाई कान के लिए भगवान की कथा रसायन है, तो रसायन की जरूरत तो उसको पड़ती है कि जिसको कोई बीमारी हो। तो परमात्मा की कथा यदि मैं बिल्व मंगल का एक ग्रंथ का अभी जिक्र कर गया हूं, कर्ण रसायन, तो रसायन तो जिसको कोई शरीर में ऐसा है तो कोई नई नई रसायन लेते हैं, कोई औषधि बताने वाले तो रसायन का पान करते हैं, तो कान का रसायन भगवत कथा है। तो इसका मतलब यह है कि एक बात पक्की हो जाती है कि हमारे कान को कोई बीमारी है। सीधी सी बात है, आप सब बीमार हैं कानों के, वरना इस चलती फिरती अस्पताल में क्यों आए? ये तो मोबाइल वान है हमारा, तो घूमती रहती है अस्पताल, बीमार है, कान की बीमारी है, क्योंकि कानों ने जन्म जन्म से कईयों की निंदा सुनी है, मिथ्या विवाद सुने हैं। दासी रे बनी ने रहूं गुरु ना देश वास, उदासी रहूं अंतर माय अने विलासी निहारे बहु वातु न मांडवी। जिसको भजन करना है उसको तो गुरु के चरण में दासी बनकर रहना, दासी रे बनी ने रहूं गुरु ना देश मां अने साथो साथ उदासी रहूं अंतर माय। क्यारे कोई गुरु ना चरण मां न रहवा दे, धक्को मारे तो खिजाऊ नहीं, उदासी रहूं अंतर माय, पण करवू शू विलासी निहारे बहु वातु न मांडवी। दासी रे बनी ने रहूं गुरु ना देश, शरणागत
ईश्वर के अंश सब है, गीता ने कहा, सबने कहा, लेकिन रामायण तो कहती है मैं सेवक, मैं तो उनका दास, दास दासान दास। सरल पक्ष सबके लिए यही है। हमारे कानों ने न जाने कितने कितने ऐसे ऐसे सब अकारण सुनी है, जबान ने न जाने कितने कितने। एक हमारे सौराष्ट्र के कवि का शेर है कि हमने जहां में की है बहुत बेफजूल बातें, अब जपे जाप तेरा वो जुबा चाहता हूं। हे भगवान, मेरी जबान ने न जाने कितने कितने, जी हसो दादुर जी सवाल, अब जपे जाप तेरा वो जुबा चाहता हूँ, कृपा सिंधु तेरी कृपा चाहता हूँ। हाँ, कृपा सिंधु तेरी कृपा चाहता हूँ और की हुए गुना की सजा चाहता हूँ, ऐसा कुछ है। तो कान में रोग है बाप, कान में कीड़ा पिड़ा छे, बिजानी निंदा वहां बड़ी, हाँ बड़ी ने कानों में कीड़ा, इसका रसायन है भगवत कथा। तो किसी ने पूछा कि भगवत कथा रूपी रसायन करने से, इसका सेवन करने से कान का रोग मिट जाएगा? नहीं, कभी मिटेगा नहीं। फिर तो कथा सुनने का रोग लग जाएगा, एक नया रोग पैदा हो जाएगा। जिन समुद्र समान कथा तुम्हारी सुभग सरना भरही निरंतर हो ही न पूरे तीन के लोचन चातक जिन करिरा रही दर्श जल धर अभिलाष। हंस निष्ठा, मीन निष्ठा, चातक निष्ठा, भागवतकार का महात्मा ही जहां मिला है ग्रंथों में, वहां श्रोताओं की निष्ठाओं का जिक्र है। मीन निष्ठा हो श्रोता की, चातक निष्ठा हो, हंस निष्ठा हो, ये सब सब प्रकार बताए हैं। तो भगवान की कथा रसायन है, कान को रोग है और सुनते सुनते वो कुथली सुनने का रोग मिट जाएगा, लेकिन सुने बिना चैन न पड़े ये महारोग लग जाएगा कि हरी कथा के बिना चैन न पड़े। ऐसा एक महारोग का वो होगा और वो परम सुख होगा, वो विश्राम होगा, और फिर इस विश्राम के साथ और जागृत और चिंतन करके और साधना करके और ब्रह्म विद्या में उतरते उतरते जब आदमी बिल्कुल सावधान हो जाएगा तो पायो परम विश्राम, विश्राम से परम विश्राम तक की यात्रा सिद्ध हो जाएगी। इसीलिए सुनत श्रवण पायो राम चरित मानस लेना, मानस मानस लेना। तो इस तरह भगवान की कथा की गोस्वामी जी ने घोषणा की और इस मानसरोवर तक पहुंचने के कुछ गंभीर विघ्न भी बताए। यहाँ आए हैं तो रात को कितनी ठंडी हो जाती, और वैसे जैसे जैसे अंदाज करो मानसरोवर का तो ये सब कठिनाइयां हैं, लेकिन ये तो भौतिक सर्दी है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस के मानसरोवर तक वो पहुंच तो पाएगा, लेकिन जिसको जड़ता का जाड़ लगा होगा, जड़ता जाड़ विषम तोड़ना गए उन मज्जन पाव
जाते हुए भी पहुंचने के बाद भी मज्जन नहीं कर पाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं, मानसरोवर का तो छोड़ो, हरिद्वार तक आते हैं और ना नहीं सकते। मैं पहली बार इस उत्तर प्रदेश में आया कथा के लिए, पहली बार हरिद्वार में कथा करने आया कच्छी आश्रम। तो हमारी कथा ऐसा सोचकर हमारे गांव का एक कुंभकार, अब वो नहीं रहता है, दूसरे गांव में गया। ये बनी बिल्कुल घटना मेरे सामने, वो भी आया कि बापू की कथा है तो सब सुविधा भी रहेगी। वो आया तो दो तीन दिन के बाद आया, तो फिर हमने पूछा कि भाई हर की पौड़ी पर आपने स्नान किया तो, कि बापू तीन बार गया लेकिन हिम्मत काम नहीं कर रही। अरे मैंने कहा तू तलगा जनड़ा से आया है, इज्जत रख, तुझे तो कुछ नहीं, हमारी इज्जत का सवाल है। मुझे, मैं कल बम्बई परसों प्रवचन, तो मुझे एक बात मेरे पास आई थी कि आप कहते हैं कि हिंदुस्तान का भविष्य बहुत उज्जवल है, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? मैंने कहा प्रमाण कोई नहीं, अंतःकरण की प्रवृत्ति प्रमाण है, मेरे पास कोई तर्क नहीं। मुझे लगता रहता है भगवान के पास बैठता हूँ तब, यज्ञ करता हूँ तब, कि मेरे देश का भविष्य उज्ज्वल है। तो सब कहने लगे कि सब ऐसे बौद्धिक लोग बैठे, बोले किस बात पर ये बाप के? मैंने कहा कोई प्रमाण नहीं है भाई, हम कोई सिद्ध नहीं करने वाले और हम कोई झंझट में पड़, हमको लगता है। और अब जिम्मेवारी उनकी है, इज्जत उनकी सवाल, इनकी इज्जत का सवाल है, हम तो क्या। अरे मुरारी मेरो क्या बिगड़ेगो, जाएगी लाज तिहारी, हमारा क्या, हम तो लगा तेरी प्रेरणा से लगा, वो बोला बाकी अब करना न करना तू जाने। अरे भाई वो इज्जत रखे न रखे लेकिन तुम तो रखो, थोड़ा पाठ तो करो। वो रखे न रखे, तो हमने कई बार कहा कि भाई तू स्नान कर ले, बोले बापू रोज जाता हूं, ले लो प्रसाद है, ठीक है कोई बात, 50 रुपया। सुनत श्रवण पाई तात्कालिक फल लो, बोलो सर्वे गुणा। भगवान बहुत दयालु है, आपके पास 50 है तो मेरे पास तो 500 ही आने चाहिए ना। संभालो उधर से आकर, उधर से आकर, उसको हंसने की कोई बात नहीं, श्रोताओं में जाएगा तो बहुत गड़बड़ करेगा, हंसो। कर्म प्रधान विश्व कर, हंसो लो हंसो। न जाने के ही रूप में देव दनुज नर किन्नर श्रेय सादर मज्जरी सकल त्रिवेणी जेहि दिन राम जन्म सुख जावे तीरथ सकल कहां चले। तो मैं बता रहा था ये बनी घटना बिल्कुल, ते वो नहीं ना पाया, हमने कहा भाई एक बार और हिम्मत कर, तो गया तो उसको बुखार हो गया। बापू मुतलगा डर नहीं पहुंचो, हमको डर लगा कि अब उसको ना, वो तो एक शारीरिक परिस्थिति थी लेकिन जिसके मन में जड़ता का वो हो गया है, वो कथा में जाते हैं तो भी कुछ पा नहीं सकते। कथा में कई लोग आते देखने के लिए आते, जरा देखे तो सही क्या हो रहा है, ऐसा भी कहते। मैं अहमदाबाद में कथा कर रहा था, मुझे रात को एक हमारे स्नेही कोई बीमार था तो मुझे जाना पड़ा वहीं, तो मैं गया तो मेरा मौन खुलने पर मैं उनके घर गया, तो गाड़ी से उतरा तो एक भाई घूमता था, वॉक ले रहा था, इवनिंग वॉक इधर से, तो मैं जैसा उतरा तो बनी घटना मेरे पास आया, नमस्कार।
नमस्कार। आप मुरारी बापू हैं? हाँ। कथा करते हैं? हाँ। राम कथा? राम कथा। अच्छा अच्छा, मेरी पत्नी आपकी कथा में बहुत आती है। मैं कि तू तारा फूटी गया, तू यहाँ नहीं, क्या तेरे नसीब फूट गए हैं? तू भी कभी आ जाना, यहाँ घूमता रहता है बांडियों पेरे ने ना करते फेरा करे खाओ पातू। कभी कथा में आ, लेकिन गए वो न मज्जन पाव, जड़ता का वो जिसको लग जाता है उसको पहुंचने के बाद, बाकी तो बहुत बड़ा लंबा वो मानस सरोवर पहुंचते पहुंचते वर्णन करने जैसा है। गृह कार जय नाना जंजाला, अति दुर्गम शैल विशाला, अति दुर्गम शैल। हम संसारियों के घर की छोटी बड़ी जंजालें, गृह कार्य और ये सब छोटी बड़ी पर्वतों की गिरी मालाएं हैं, उनको पार करके पहुंचना होता है। दुष्टों के वचन व्याघ अरिव्याला आदि आदि सब विघ्न बताए हैं, इन सब को काटता हुआ कोई मानस तट पहुंच जाता है, वो कृतकृत्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। ऐसे मानस की बात गोस्वामी जी ने की और कथा का आरंभ करते हुए चार जगह पर यह संवाद चलने वाला है। तो सबसे पहले गोस्वामी जी ने अपने मन को प्रबोध देते हुए आरंभ किया और हम सबको लिए चलते हैं गंगा यमुना और सरस्वती के तट, जहां प्रयागराज में याज्ञवल्क महाराज के चरणों में बैठकर महाराज भरद्वाज जी जिज्ञासा करेंगे और राम कथा याज्ञवल्क महाराज शुरू करेंगे, उसकी चर्चा कुछ कल करेंगे। आज यहाँ ही कथा को विराम दूं, लेकिन जे टोटी हूँ गाड़ी चाहिए पास मन ले लेवा दियो। जो शुरुआत में जो आपको बेहोश किए थे वो फिर उतार लूँ, शास्त्र क्रिया हो गई, फिर आप उठना, फिर एक दो मिनट के लिए भाव से श्रद्धा से। ए नमः शिवाय, हरि बोल। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हे हर 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 भोले नमः शिवाय, हे हर 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 भोले नमः शिवाय, हे हर 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 भोले नमः शिवाय, हर 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 भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जप हूँ जाय शंकर सतनामा, जप हूँ जाय शंकर सतनामा, हो हृदय तुरत विश्रामा, हर 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 भोले नमः शिवाय, हर 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 भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि बोल। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हे नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर 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 गंगे नमः
कर महाराज राज तांडव नाचे ए भोले महाराज राज शंखनाद श्रृंग वाद्य विविध वाद्य भेरी तात ताक बजत ताल तक तताक थरकत लरकत लखात मंद मंद घेरी अमरी गण सुमन जाल बरकत हरकत खुशाल मुनिजन मानस विशाल अमित मोद याचे बम 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 डमरू बाज नाद वेद सर्व साज शंकर महाराज राज तांडव नाचे भोले महाराज राज तांडव जटा कटाह संभ्रम भ्रमंत लिंप निर्दरी विनोद पट पाव के किशोर चंद्रशेखर सर्व मंगला कला कदंब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजुंभणा मधुव्रतम स्मरंतकं पुरंतकं भवंतकं मकांतकं गजांतकांतकांतकं तमंतकांतकं भवे प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच काली मच्छता विडिंबि कंठ कंधरा रुचि प्रबद्ध कंदरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मकच्छिदं गच्छिदं कच्छिदं तमंत कच्छिदं भवे जयत्वद ब्रवि भ्रम भ्रम भुजुंगम स्फुरत भगत भगत विनिर्गमत कराल भाल हव्यवाक दिमिदनंदुदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव विजित्य तल्पयो भुजंग मौतिक स्रजो गरिष्ठ रत्न लोष्टयो सुहद विपिक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेंद्रयो समं प्रवर्तयन मन कदा सदा शिवं भजे कदा निलिंप निर्जरी निकुंज कोटुरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजलिं वहन विमुक्त लाल लोचनो ललाम भाल लग्न कशिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भव्याम्यहम् पूजावसान समय दशवक्त्र गीतं यः शंभु पूजनमिदं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंग युक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु नमः शिवाय हर 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 भोले 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओ नमः शिवाय नमः शिवाय ओ नमः शिवाय नमः शिवाय ओ
शिवाय पवन तनय संकट हर मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसऊ सुर बोलिए हनुमान जी महाराज। आज की कथा विराम ले रही है, कल सुबह 9 बजे फिर आगे भाव और श्रद्धा के साथ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। सदगुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आरती श्री